सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीव विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। टुडे इज़ अ कम्प्लीट नॉवल नेम्ड एज शाम अलम, सो लेट्स स्टार्ट इट। और ये दीवाना शख्स इस कहानी का रोमियो है जिसकी जूलियट 14 बरस पहले उससे बिछड़ गई थी। वो मुस्कुराया तो आँख से एक आंसू टूट कर गिर पड़ा। अल्लाह बख्शे तुम्हारी माँ को, क्या लजीज परौंठे बनाया करती थी, आहा स्वाद ही आ जाया करता था। लेकिन अब वो स्वाद कहाँ। चौधरी हदायत रसूल तीसरा पराठा ख़त्म कर देने के करीब थे मगर मज़ा उन्हें अभी तक नहीं आया था। घर की बावर्चन एक और पराठा गरम गरम उतार लाई थी और अब उनके थाल में रख रही थी, जबकि वो ब्रेड को ऑमलेट के साथ खाते हुए जल्दी में नज़र आ रही थी। अब्बा जी, कभी तो सकीना को शाबाशी दे दिया करें, बेचारी इतनी मेहनत से नाश्ता बनाती है आपके लिए। सकीना के चेहरे पर फैली बेचारगी वो महसूस कर चुकी थी, इसीलिए अब उसकी हमायत में बोल रही थी। आय हाय सदके पुत्र, अगर वो इतना ही मज़े का खाना बनाती है तो फिर तू क्यों निहार मुँह ये सूखे टुकड़े खा रही है। डिकार लेने से पहले वो तिनक कर बोले थे, ओहो अब्बा जी आप ही ना, ये ब्राउन ब्रेड है और मैं ये इसीलिए खाती हूँ क्योंकि मैं डाइट करती हूँ। उसने स्लाइस का आखिरी लुकमा मुँह में रखा और साथ बड़ा पानी का ग्लास उठाकर गटागट पी गई। सुबह का वक्त था और वो हॉस्टल वापस जाने की तैयारी किए बैठी थी। सर्दी अपने अरूज पर थी, इसलिए उसने खुद को गर्म रखने के लिए चादर अपने गिर्द लपेट रखी थी। ओ छठ परा ऐस अंग्रेजी नू, तू मुझे सीधे लफ्जों में बता। चौधरी हदायत रसूल उसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। तुस्सी भी छड्डो अब्बा जी, ये बातें आपके समझ में नहीं आने वाली। वो मुस्कुरा के उठ गई। बाजी, क्या आप वाकई जहाज उड़ाएंगी। सकीना आंखों में बेयकीनी लिए उसके हाथ धुला रही थी। हाँ, तुम्हें यकीन नहीं है क्या। वो हाथों को मल मल कर धोने लगी, पानी के छींटे नीचे रखे बर्तन में जाकर गिर रहे थे और कुछ उसकी चादर पर भी, मगर उसे परवाह नहीं थी। लेकिन वो तो बहुत वड्डा होता है जी, कोई भी चीज़ इंसान के यकीन से बड़ी नहीं होती। सकीना ये यकीन ही था जिसने दो भाइयों के ख्वाबों को पर लगा दिए थे और उन्होंने जहाज़ बना डाला था ताकि वो उड़ सकें और उड़कर नीले आसमान को छू सकें। उसने मुट्ठी में आए पानी को आसमान की तरफ उछाल दिया जहाँ परिंदे अपने यकीन के पर लिए उड़ रहे थे। बड़िए लोगों की बड़ी बातें जी। सकीना कुछ भी नहीं समझी थी और उसने जहन पर मजीद जोर डालने की बजाय कंधे पर रखा साफ तौलिया उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम भी समझ जाओगी, उसने मुस्कुराकर तौलिया थामा और हाथ खुश करने के बाद उसे वापस पकड़ा दिया। तब तक फीका चौधरी साहब के लिए हुक्का गर्म कर लाया था। चौधरी हदायत रसूल की आदत थी कि वो नाश्ते के फौरन बाद 4-5 कश हुक्के के ज़रूर लगाया करते थे। तंबाकू नोशी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती अब्बा जी, और उसे हमेशा गुस्सा आ जाया करता था। चौधरी साहब का सांस उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था लेकिन हुक्का पीने से वो बाज नहीं आते थे। तुझे पायलट बनने भेजा है दीरानी, डॉक्टर ने नहीं, वो हंस कर उसकी बात टाल देते थे। अब्बा जी आप भी ना, वो गुस्सा करती अंदर की जानी बढ़ गई और जब थोड़ी देर बाद बाहर निकली तो पहियों वाला सूटकेस अपने साथ घसीटती ले आई थी। ये सुबह सुबह कहाँ चल दी पुत्री, चौधरी साहब ने धुएं का मरगोला फिज़ा में खारिज करते पूछा। हॉस्टल जा रही हूँ अब्बा जी, वो चादर ठीक से सर पर जमाने लगी। इतनी सवेरे क्या लोड़ ब्रैकेट ज़रूरत पड़ गई। वो कभी भी इतनी सुबह हॉस्टल नहीं जाया करती थी। अब्बा जी मुझे याद ही नहीं था कि आज हमारा बहुत अहम लेक्चर होना है, वरना मैं कल शाम ही चली जाती, उसने प्यार लेने के लिए सर अब्बा जी के आगे झुका दिया। अच्छा अच्छा, अल्लाह तुझे कामयाब करे मेरी दीदानी, उन्होंने अपना दस्त शफकत उसके सर पर रखा तो वो हमेशा की तरह मुस्कुरा दी। रब रखा अब्बा जी, सकीना ने उसका सूट केस ले लिया था ताकि वो उसे गाड़ी तक छोड़ आ सके। अल्लाह निगहबान, वो उसे गेट से निकलने तक देखते रहे। हवेली की रौनक तो फिर चली गई, वो नम होती आंखें पूंछ कर हमेशा की तरह कमरे में जाकर बंद हो गए। इम्तिहानात करीब आने की वजह से लाइब्रेरी इस वक्त मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स से भरी नज़र आ रही थी। कहीं बैठने की कोई जगह नहीं थी बल्कि अक्सर स्टूडेंट्स शेल्फों के नीचे दीवारों से टेक लगाए बैठे थे। इम्तिहान जब भी आते इस लाइब्रेरी का यही मंजर होता, हर कोई नफसा नफसी के आलम में नज़र आता, सब खुदगर्ज हो जाते। पहले जो एक दूसरे को देखकर जीते थे, इम्तिहान आने पर निगाहें झुकाकर किताब की तरफ मतवज्जा हो जाते, यूं कि जैसे जानते ही ना हों।
वो भी अपनी क्लास फेलो और इकलौती दोस्त मलिहा के साथ नोट्स तैयार करने के लिए एक लंबी मेज के बाएं जानी बैठी हुई थी। गुलाबी रंग के कपड़ों में उसकी रंगत और भी गुलाबी पड़ रही थी। उसकी लंबी पलकों ने उसकी गहरी भूरी आंखों को घेर रखा था, जबकि उसकी तीखी नाक पर चमकती लौंग उसके देहाती हुस्न में इजाफा कर रही थी। चेहरा पुरसकून था, मगर हाथ बड़ी तेज़ी के साथ नोटबुक पर कुछ लिख रहे थे। वो पुरसकून थी, मगर वो पुरसकून नहीं भी थी। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसे मुसलसल देख रहा हो। उसने दुपट्टा ठीक करने के बहाने ज़रा की ज़रा आँख उठा कर देखा तो सामने वाली मेज़ पर बैठा शख्स चोरी पकड़े जाने की वजह से फ़ौरन अपनी नज़रें किताब पर झुका गया। ये वहम है या? नोटबुक पर लिखते हुए उसने खुद से सरगोशी की। क्या? पास बैठी मलिहा ने उसे बुड़बुड़ाते हुए सुन लिया था। कुछ नहीं, उसने फ़िलहाल उसे टाल दिया। नोट्स पर ध्यान दो लड़की। मलिहा का लहजा मशकूक सा था, जैसे वो उसकी बात पर यकीन न कर पाई हो। अच्छा, वो दोबारा से अपने नोट्स की जानिब मतवज्जा हो गई। आधे पौने घंटे बाद वो अपना काम मुकम्मल करके लाइब्रेरी से निकल आई थी। कुर्सी छोड़ने से पहले उसने लाशौरी तौर पर उस जानिब देखा था जहाँ वो अपनी किताब उठाकर बिना उसकी तरफ देखे वहाँ से चला गया था। ये आप आजकल किन ख्यालों में गुम रहती हैं मोहतरमा? मलिहा हाथ में चिप्स का पैकेट लिए उसके कमरे में चली आई थी और अब उसके बिस्तर पर बैठकर कंबल अपनी टांगों के गिर्द लपेट रही थी। जाड़े की रातों में उसे शदीद सर्दी लगती थी और हॉस्टल में कमरों में हीटर चलाने की इजाज़त नहीं थी, जबकि उसके बरअक्स अमल सर्दी और कंबल से बेपरवाह बेड की टेक से पुश्त जोड़े बैठी न जाने क्या सोच रही थी। ख्यालात से ज़्यादा उनकी बेरबतगी उलझाए हुए है। उसने टेक छोड़ दी थी और मैं पूछ सकती हूँ कि मोहतरमा को इस वक्त किसके ख्यालात उलझाए हुए हैं? उसने शरारत से उसे छेड़ा। पता नहीं मलिहा, मुझे क्यों लगता है कि उसने लफ्ज़ तलाशने के लिए दानिश्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। क्या लगता है तुम्हें? पैकेट से चिप्स का एक टुकड़ा निकालने से पहले मलिहा ने उससे पूछा था। यही कि कोई है जो मुझे हर वक्त देखता रहता है, मुझे उसकी नज़रें परेशान किए हुए हैं और सबसे बढ़कर ये कि मैं जानती हूँ कि वो कौन है। आखिरी जुमला उसने नहायत तेज़ी के साथ अदा किया था, जैसे कोई चोरी हो और उसकी राजदारी ज़रूरी हो। कौन? वो मुतजस्सिस हुई। पता नहीं, बेदिली से कहकर उसने कंबल खींच कर अपने ऊपर तान लिया था। अब बताओ भी। मलिहा ने कंबल उतार कर परे फेंक दिया। अमल ने उसे ऐसे देखा तो वो उसे ही घूर रही थी। वो जान चुकी थी कि मलिहा अब ऐसे टलने वाली नहीं है, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसने वो नाम ले दिया जो वो आज तक नहीं ले सकी थी, जहांदाद। मलिहा के चेहरे के तासुरात पल भर में बदले थे। शोकी और शरारत की जगह गुस्सा ले चुका था, ऐसा गुस्सा जिससे अमल को खौफ आता था। इससे पहले कि मलिहा गुस्से से फट पड़ती, वो खुद ही अपनी सफाई में बोल पड़ी। हो सकता है कि ये महज एक गलतफहमी हो, लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मलिहा बर्क सी तेज़ी से उठी और उसका कमरा छोड़कर चली गई। मलिहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चिल्ला चिल्ला कर अपना दिफा करने लगी। तुम जानती हो कि मैं? इससे आगे उसकी आवाज़ रुंध गई और एक तभी सी सिसकी ने फिज़ा में घुल कर उसे मज़ीद नम कर दिया था। अगले दिन मलिहा उसे बिना बताए ही हॉस्टल से घर चली गई थी। अमल सुबह से कई बार उसे कॉल कर चुकी थी, मगर वो उसकी किसी कॉल और किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। उसके घर जाने की इत्तला भी अमल को वार्डन से ही मिली थी। उसके बगैर यूनिवर्सिटी आना अमल को हमेशा बुरा लगता था। अमल किसी को भी दोस्त नहीं बनाती थी, मलिहा से भी उसकी दोस्ती अचानक हुई थी। वो क्लास की पहली लड़की थी जिसके साथ अमल पहले दिन क्लास बेंच पर बैठी थी। वो मलिहा के बगैर इस यूनिवर्सिटी में हमेशा खुद को अकेली महसूस करती थी। अभी भी अमल डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठी उसे कॉल मिला ही रही थी कि तभी उसे वहाँ किसी की आमद का एहसास हुआ। आपकी दोस्त नहीं आई आज? इस आवाज़ पर अमल ने चौंक कर देखा तो सामने जहाँ दाद अपनी साहिराना शख्सियत लिए खड़ा था, स्कूल ऑफ एविएशन का यूनिफॉर्म पहने वो इस सदी का सबसे हैंडसम पायलट कहला सकता था। ऐसा अमल ने सोचा था और वो उस शख्स के बारे में हमेशा ऐसा ही सोचा करती थी। ये तो आपको पता होगा, वो तिनक कर बोली। इस वक्त वो भी यूनिफॉर्म में थी, मगर वो सफ़ेद शर्ट के बजाय कमीज़ को तरजीह देती थी और सर पर यूनिफॉर्म का स्काफ ओढ़े बाजुओं की गिर्द स्याह चादर लपेटे वो सबसे अलग ही नज़र आती थी। हैं, मुझे क्यों पता होगा? वो अनजान बना था क्योंकि वो आपकी कज़न है, मैं नहीं। वो दोबारा नंबर मिलाने लगी। सूरज की किरणें बराह रास्त उसके सभी चेहरे पर पड़ रही थीं, जिनकी हिद्दत से उसका गुलाबी चेहरा सुर्ख पड़ रहा था, मगर उसे परवाह नहीं थी।
उसे सूरज की किरणों से लाड उठवाना हमेशा अच्छा लगता था। तो आपको अफसोस हो रहा है कि वो मेरी कज़न है और आप नहीं, उसने खुद से अंदाज़ा लगाने के से अंदाज में कहा। अमल ने कोई जवाब नहीं दिया था और उसे नज़रअंदाज करती मलीहा के नाम एक पैगाम टाइप करने लगी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नहीं, अब की बार उसकी तरफ से दो टोक जवाब आया था। शुक्रिया, वो उसके करीब ही कुछ फासले पर निचली सीढ़ी पर बैठ गया। मगर मैंने नहीं कहा था, उसने लफ्ज़ नहीं पर जोर देते हुए नागवारियत का इजहार किया था। तुमने कहा और मैंने मान लिया, जवाबन उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वैसे दुनिया के नहायत ही फारिग तरीन इंसान हैं आप, जो हर वक्त लड़कियों को ताड़ते रहते हैं और फिर उनके मना करने के बावजूद उनके पास यूँ जाके बैठ जाते हैं। रात वाली बात का रिएक्शन वो इस तरह से दे रही थी। और रियली, क्या मैंने? लेकिन मैंने तो कभी किसी लड़की को नहीं ताड़ा और ना ही उसके पास कभी जाकर यूँ बैठा हूँ। नज़रें उसके सुर्ख पड़ते चेहरे पर जमाए वो अपने दिफा में बोला, मैंने खुद आपको लाइब्रेरी में यह हरकत करते देखा था। कैसे टिकटिकी बांधे देखे ही जा रहे थे। भाई, कोई खुदा का खौफ भी होता है कि पकड़े जाने की सूरत में क्या अंजाम होगा, मगर नहीं, मौसूफ तो डंके की चोट पर सब करते नज़र आते हैं। वो गुस्से से लाल, पीली, हरी, नीली सब हो रही थी, जबकि जहाँ दाद रुख उसकी तरफ मोड़े थोड़ी के नीचे हाथ रखे उसे अभी भी बेखौफ सा देख रहा था। वो तो इत्तफाकन मेरी नज़र तुम पे पड़ गई थी। अच्छा, और उस दिन फिजिक्स डिपार्टमेंट के कॉरिडोर में भी इत्तफाकन नज़र पड़ी थी क्या? वो नहायत लड़ाका औरतों की तरह उससे तकरीबन लड़ ही रही थी। एक मिनट, इससे पहले कि वो मज़ीद आग उगलती, जहाँ दाद ने उसे टोकना ज़रूरी समझा, ये तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं फ़लाँ जगह पर फ़लाँ वक्त में तुम्हें ही देख रहा हूँ? बस पता चल ही जाता है, उसने कंधे उचकाए। मगर बिना देखे कैसे पता चल जाता है? वो राज जान लेना चाहता था। क्या मतलब है आपका ये कि मैं भी आपको ही देख रही होती हूँ? अब उलझने की बारी अमल की थी और वह खुद से ही उलझ गई थी। राज अफशा हो चुका था। हाँ बिल्कुल, जहाँ दाद ने उसकी बात की तस्दीक की थी। नज़र जिसे तलाशती है बेइख्तियार होकर उसी पर जा ठहरती है। वो रुका और तौकफ से बोला, तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस कहानी में कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं है अमल। उसकी आंखों की स्याह पुतलियाँ पहले से ज़्यादा चमकने लगी थी, या फिर अमल को ऐसा लगा था। इससे पहले कि अमल उन आंखों के सहर का शिकार होकर किसी कठपुतली की तरह इजहार कर देती, एक खौफ ने उसके अंदर सर उठा लिया था। देखिए, चाहे ये जज्बात एक तरफा हैं या फिर दो तरफा, मैं बस इतना जानती हूँ कि जो आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। मैं आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। उम्मीद है कि इस इनकार के बाद आप मुझे दोबारा परेशान नहीं करेंगे। खुद पर काबू कर पाती, वो अपने जज्बात की नफी कर गई। मलीहा बहुत अच्छी लड़की है और आपसे बहुत मोहब्बत भी करती है, बहुत ख्याल रखेगी आपका। हो सके तो मेरे बजाय उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। उठने से पहले वो मलीहा की बात उस तक पहुंचाना नहीं भूली थी। बेफिक्र रहो, तुमने कहा और मैंने मान लिया, न जाने क्यों वो मुस्कुरा दिया था। अमल देख सकती थी कि उसकी मुस्कुराहट में रंजो अलम की इतनी शिद्दत थी कि अगर वो कहकहा भी लगाता तो आंखों से सिर्फ आंसू ही जारी होते। वो बुत बने उसकी रंजीदगी को देखती रही। लगता है मुझे ही यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना फिर कहोगी कि मैं दुनिया का फारिग तरीन इंसान हूँ जो यूनिवर्सिटी की लड़कियों को यूँ तुम्हारी तरह बुत बने घूरता रहता हूँ। अमल के बुत बने वजूद को अपने तंज के वार से चकनाचूर करके वह जाने के लिए खड़ा हो गया। उसकी उठी हुई मगरूर सी नाक उस पल तकलीफ के एहसास से सुर्ख हो रही थी, जबकि रोशन सियाह आँखें पल भर में बुत सी गई थी। वो दो सीढ़ियाँ और उतरकर उसके करीब चला आया और उसकी गहरी भूरी आंखों में झांक कर अलविदाई बात कहने लगा, ये देखो मेरी मोहब्बत की लाश डिपार्टमेंट की इन सीढ़ियों पे पड़ी है और इसका खून तुम्हारे हाथों पर लगा हुआ है। हो सके तो जाने से पहले मुट्ठी भर मिट्टी इस पे डाल जाना, ताकि मोहब्बत के कत्ल का थोड़ा सा कफ़ारा अदा हो सके। ये आखिरी बात थी जो उसने जाते समय कही थी। उसके बाद वो रुका नहीं, क्योंकि अमल ने उसे रोका नहीं था। अगर वो उसे आवाज़ देती तो वो वहीं रुक जाता और रुक कर उम्र भर के लिए मुजस्मा हो जाता। मगर ऐसा हुआ नहीं। ज़रूरी तो नहीं कि ज़िंदगी की कहानी में सब कुछ किरदारों की मर्ज़ी के मुताबिक ही हो। कभी कभी कुछ फ़ैसले कहानी कार के रहमो करम पर होते हैं। अमल और जहादात की ज़िंदगी का फ़ैसला भी कलम की नोक से तहरीर कर दिया गया था, मगर कौन जाने। कहते हैं कि जाड़े की रातें बहुत लंबी होती हैं, लेकिन शब फराक की तवालत सिर्फ वही जान सकता है जिसने ये रात
बरहा की तपती सड़क पर नंगे पांव चलते हुए काटी हो, तो वो भी आज ये रात काट रही थी और ये जान रही थी कि जाड़े की रातें तो पलक झपकते ही गुजर जाती हैं, ये तो शब्बे फिराक है जिसे काटते काटते शायद सदियां गुजर जाती हैं, मगर वक्त गुजर जाता है और इंसान वहीं खड़ा रहता है जहाँ हिजर की शब शुरू हुई होती है, वहीं जहाँ बरहा की सड़क पर पहला कदम पड़ता है। हॉस्टल में अपने कमरे की खिड़की में खड़ी वो चांद को अपनी बेरूह नज़रों से तक रही थी और उस वक्त को याद कर रही थी जब उसने पहली बार जहादात को मलिहा के साथ देखा था। मलिहा उसके साथ कैफे में बैठे किसी बात पर बहस कर रही थी, जवाबन वो भी दबे दबे अंदाज में तकरीबन चिल्ला ही रहा था, लेकिन न जाने क्यों अमल पर पहली नज़र पड़ते ही वो खामोश हो गया था, यूं कि जैसे अपनी बात अपनी ज़ात सब भूल गया हो। उसने बहस में हार मान ली थी। दूसरी बार वो उसे एविएशन के यूनिफॉर्म में मलबूस अपने डिपार्टमेंट के कॉरिडोर में खड़ा दो लड़कों को नहायत नरमी से कुछ समझाते हुए नज़र आया था। कोई भी चीज़ इंसान के यकीन से बड़ी नहीं होती, ये यकीन ही था जिसने दो भाइयों के ख्वाबों को पर लगा दिए और उन्होंने जहाज़ बना डाला ताकि वो उड़ सकें और उड़कर नीले आसमान को छू सकें। उस पल सब आवाज़ें मध्यम पड़ गई थी, समातों से आवाज़ टकरा रही थी तो बस जहादात की, बाकी हर आवाज़ अपनी अहमियत अपनी हैसियत खो बैठी थी। अमल को याद था कि वो कई दिन उस आवाज़ के शहर में जकड़ी रही थी, फिर वो उसको हर जगह नज़र आने लगा था। वो जहाँ भी जाती खुद को जहादात की नज़रों के आसार में पाती। वो फैसला करने से पहले मोहब्बत कर बैठी थी। वो जानती थी कि वो जिस माहौल से आई थी वहाँ मोहब्बत करना गुनाह समझा जाता था, लेकिन उसने मोहब्बत को थोड़ी की थी, उसे तो मोहब्बत हो गई थी। ये मोहब्बत का असेब होता ही ऐसा है, खुद ही चिमट जाता है और जब चिमट जाए तो फिर जान छोड़ता ही कहाँ है। अमल को भी जाने अनजाने में मर्ज लग चुका था, वही जिसे मोहब्बत कहा जाता है, वही जिसे लाइलाज समझा जाता है। अगले दिन वो खुद भी हॉस्टल से घर आ गई थी और आते ही उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। शायद वो मोहब्बत के कत्ल के जुर्म में खुद को कैद की सज़ा देना चाहती थी। चौधरी हदायत रसूल किसी काम के सिलसिले में शहर गए हुए थे, वरना वो उसे यूं कमरे में इतनी देर कभी भी बंद ना रहने देते। अमल भाजी, सकीना दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गई। कमरे में नीम अंधेरा था, सफ़ेद खिड़कियों के गिरे गहरे जामनी पर्दे रोशनी को अंदर आने से रोके हुए थे। वो आवाज़ सुनकर ज़रा सा किसमिसाई थी। सकीना ने आगे बढ़कर पर्दे सिरकाए तो रोशनी ने सरद से अंदर आकर हर चीज़ पर अपना राज जमा दिया था। क्या हो गया है अमल भाजी, जब से आई हैं कमरे की ही होके रह गई हैं। वो कमरे में फैली चीज़ें समेट कर उनकी मुकर्रा जगह पर रखने लगी। अमल ने आंखें मसल कर देखा तो वक्त का अंदाज़ा ही ना लगा पाई, यूं जैसे जमाओ मकान सब वहीं रह गए थे, वहीं डिपार्टमेंट की किसी सीढ़ी पर। क्या फ़र्क पड़ता है सकीना, जब अंदर का मौसम ही अच्छा ना हो तो बाहर निकल कर क्या देखूं? वो अपने लंबे रेशमी बालों को कैचर में मुकीद करती उठ बैठी। ये हार कितना सोना है जी, अमल की बात को सुने बिना वो ड्रेसिंग टेबल पर पड़े नेकलेस को सताईशी नज़रों से देखने लगी। अमल ने बेदिली से उसे देखा और पाँव में चप्पल पहनकर खिड़की के पास आ गई। अमल, ताज के दरख्तों पर पीले फूल उग आए थे। नहीं, वो तो कांटे थे, अमल को बगौर देखने पर ऐसा ही महसूस हुआ था। पीपल के दरख्त पर बैठकर कूकने वाली कोयल आज नहीं आई थी, या फिर आई थी लेकिन अमल को ही उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। आप जैसी हवेली में रहने वाली शहजादियाँ बहुत खुशकिस्मत होती हैं जी, जब दिल चाहा नित नई चीज़ें खरीद लीं जिन्हें एक बार पहना और फिर यूं फेंक दिया। वो अभी भी नेकलेस को पकड़े खड़ी उसे नदीदेपन से देख रही थी। अमल के चेहरे पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट ने जगह बनाई थी। कभी इन शहजादियों से पूछना कि वो कितनी बदबख्त होती हैं। सामने बरगद से एक गुलहरी नीचे उतर आई थी और अब किसी चीज़ की तलाश में मारी मारी फिर रही थी। वो क्यों बाजी, सकीना नेकलेस छोड़कर उसकी जानिब मतवज्जा हो गई। कम अज़ कम उसे अमल कभी भी बदबख्त नहीं लगी थी, क्योंकि उन्हें मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं होती। चूर मूर करते पत्तों पर दौड़ती गुलहरी बहुत मायूस दिखाई दे रही थी। ते मोहब्बत करके की करना अमल बाजी, वो उंगली दाएं गाल पर रख कर हैरत से बोली। मोहब्बत में यही नफ़ा नुकसान ही तो समझ में नहीं आता जल्ली, वो तलखी से मुस्कुराई जैसे अपनी ही हालत पर तरस खा खा के थक गई हो। मुझे लगता है आपके सर पर पढ़ाई का बहुत बोझ है, तेल लगा के मालिश कर दूँ। उसने अमल के उस उलझे मसले का क्या खूब हल निकाला था। अगर कोई दम है तो वो पढ़ के मुझ पे फूको कि इश्क के आसेब से रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आ रही। गुलहरी खाली हाथ वापस बरगद पे चढ़ गई थी।
अमल ने पर्दे खिड़की के आगे कर दिए और यूं मंजर एक बार फिर अंधेरे में डूब गया था। की हो गया है मेरी पुत्री नू, अपने अब्बा जी को आने की इत्तला भी नहीं देती? अगली सुबह वो बेदिली के साथ उनके सामने हवेली के अकबी हिस्से में मौजूद थी। यह हिस्सा एक छोटे से लॉन के जैसा था, जहाँ बिछी सब्ज घास आंखों को बहुत भली मालूम होती थी। पीपल और अमलतास के दरख्त लॉन के ज़्यादा हिस्से पर साया किए हुए थे। बरकत बाहर था, मगर उसका आधा हिस्सा अंदर की तरफ आता था। वो अकबी हिस्से के वस्त में रखे झूले पर बैठी अपने अब्बा जी को देख रही थी, जिनके चेहरे पर खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। कभी कभी सरप्राइज़ भी तो देना चाहिए अब्बा जी, झूले को धीरे से हिलाते हुए वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करने लगी। चंगा की तई पुत्री, थोड़ी देर में वकील साहब भी आने वाले हैं। सोच रहा हूँ कि जीते जी ज़मीन का रोला ख़त्म कर जाऊँ, वरना अपने भाइयों को तो तू जानती ही है अच्छे से। अखबार का सफ़ा पलटने से पहले उन्होंने हुक्के की नै को मुँह से लगा कर फिज़ा में धुआँ खारिज किया था। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उनके मुंह से निकलने वाले ऐसे अल्फाज उसे हमेशा उदास कर देते थे, और वो ऐसी बातों पर हमेशा उनसे खफा हो जाया करती थी। औलाद अगर अय्याश हो तो वालदैन को बहुत कुछ वक्त से पहले ही करना पड़ता है धीरानी। उनके चेहरे पर फैली परेशानी देखकर वो कुछ सानिये खामोश रही। सफिया भरजाई आ गई वापस। उसने अपनी बड़ी भाभी के बारे में पूछा, जो पिछले एक महीने से ढूंढ कर अपने मैके में बैठी हुई थी, जबकि छोटी भाभी नबीला हवेली के उस हिस्से में कम ही आती थी। अल्लाह जाने, चौधरी साहब अपनी दोनों बहुओं से इतना ही नाखुश थे जितना अपने दोनों बेटों से, और वजह उनकी साजिशें थीं जो वो हर वक्त हर इंसान के खिलाफ करती रहती थी। अमल का बड़ा भाई शाहनवाज बेहद अय्याश था, और कई औरतों से नाजायज ताल्लुकात की वजह से उसकी अपनी बीवी से अनबन ही रहती थी, जबकि छोटा भाई दिलावर जुआ खेलने का इस कदर आदि था जैसे कोई नशे का आदि हो। दोनों भाई इन्हीं चक्करों में बहुत सारा पैसा उड़ा चुके थे और जायदाद का एक बड़ा हिस्सा हड़प कर चुके थे। अपनी बिगड़ती तबीयत की वजह से चौधरी साहब जल्द अज जल्द अमल का हिस्सा उसके नाम कर देना चाहते थे। कितने दिनों के लिए आई है पुत्री? उसकी तरफ से गहरी खामोशी पाकर वह खुद ही इस्तफसार करने लगे। काश मैं अब दिनों का हिसाब किताब लगा पाती अब्बा जी। एक ठंडी सांस उसने पूर्णम फिजा के सुपुर्द की। मैं देख रहा हूँ कि तुम कोई बात तो छुपा रही हो। उन्होंने अखबार सामने बिछी मेज़ पर रख कर उसे जांचती नज़रों से देखते हुए पूछा। मैं क्या छुपाऊंगी अब्बा जी, वो जुजबुज सी हुई वही जो तेरे दिल में है और तुझे बेचैन किए हुए है। बेफिक्र रहें, कभी मेरे दिल में कुछ भी हुआ तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। वो मुस्कुराकर उनकी बात टाल गई थी। पक्की गल है ना? वो हुक्के की नै दोबारा मुँह से लगा चुके थे। 100% पक्की बात है। इस बार वो सारी कुवत जमा करके मुस्कुराई थी, ताकि उसकी बेजान सी मुस्कुराहट उसके अब्बा जी को मज़ीद परेशान न कर सके। इस मौके पर आज उसे अपनी माँ बहुत याद आई थी। काश वो जिंदा होती तो अब तक वो उन्हें अपना राजदार बना चुकी होती। 3 दिन घर में गुजार कर उसे हॉस्टल वापस आना पड़ा। आखिर वो कब तक जहाँ दाद से छुपने के लिए छुट्टियाँ कर सकती थी? यहाँ आकर अमल ने ख़ुद को समझा लिया था कि उसकी नज़र अब बेइख्तियार होकर किसी को तलाशेगी नहीं। वो मलीहा अपनी बेहतरीन दोस्त को मज़ीद बदगुमान नहीं होने देगी। उसी शाम मलीहा उसके कमरे में आई थी। वो अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा दिखाई दे रही थी, लेकिन ये शर्मिंदगी कम और खुशी ज़्यादा मालूम हो रही थी। मैंने गलत समझा था अमल, वो सर झुकाए कहने लगी। मुझे हमेशा यही लगता था कि जहादात तुम में इंटरेस्टेड है और तुम जहादात में। उसकी आंखों में अजब चमक थी जो अमल ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम हमेशा यही कहती रही कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ही पागल थी जो तुम पर यकीन ही ना कर पाई। अमल समझ नहीं पा रही थी कि उसकी गैर मौजूदगी में ऐसा क्या हो गया था कि मलीहा को ये सब कहना पड़ रहा था। वो खामोश सी उसके सामने कुर्सी पर बैठी रही। अगर उस दिन जहादात मामू और ममानी के साथ मेरे लिए अपना प्रपोज़ल ले गए हमारे घर ना आता, तो शायद ये गलत फहमी मुझसे बहुत कुछ गलत करवा बैठती। उसने अमल के ठंडे पड़ते हाथ थाम लिए थे। उसने मुझे प्रपोज कर दिया है अमल, वो खुशी से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और न जाने क्या क्या कह रही थी। अमल उसकी कोई बात नहीं सुन पा रही थी। उसे उस लम्हे कहीं दूर से आती अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। मलीहा बहुत अच्छी लड़की है और आपसे बहुत मोहब्बत भी करती है, बहुत ख्याल रखेगी आपका। हो सके तो मेरे बजाय उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। बेफिक्र रहो, तुमने कहा और मैंने मान लिया। उसका चेहरा नज़र के सामने उभरा था। लगता है मुझे ही यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना फिर कहोगी कि मैं दुनिया का फारिग तरीन इंसान हूँ जो यूनिवर्सिटी
कि लड़कियों को यूं तुम्हारी तरह बुत बने घूरता रहता हूँ। अमल का सांस रुक रहा था या शायद उससे ही ये घुटन महसूस हो रही थी। ये देखो मेरी मोहब्बत की लाश डिपार्टमेंट की इन सीढ़ियों पे पड़ी है और इसका खून तुम्हारे हाथों पे लगा हुआ है। हो सके तो जाने से पहले मुट्ठी भर मिट्टी इस पे डाल जाना ताकि मोहब्बत के कत्ल का थोड़ा सा कफ़ारा अदा हो सके। अमल ने झटके से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और अब उन्हें आंखों के सामने किए सदमे से देख रही थी। क्या हुआ? मलिहा के लिए उसका ये रद्द अमल बहुत हैरान कन था। हाथों पर लगा खून कैसे साफ होता है मलिहा? उसे अपने हाथ सुर्ख दिखाई दे रहे थे। अगर खून हो भी मोहब्बत का, वो पूछना चाहती थी मगर पूछ नहीं पाई थी। तुम ठीक हो? मलिहा ने नरमी से उसके चेहरे को छूते हुए इस्तफसार किया। वो हाँ ठीक हूँ, उसने पेशानी मस ली। क्या कह रही थी तुम? वो डिपार्टमेंट की सीढ़ियों से हॉस्टल के घुटन ज़्यादा कमरे में लौट आई थी। मोहब्बत की लाश तो शायद वहीं रह गई थी जिस पे मिट्टी डालने का हौसला उसमें अभी तक पैदा नहीं हुआ था। मेरी और जहादाद की मंगनी है परसों और मैं तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। अमल की हालत को अक्सर नज़रअंदाज करती वो फिर से चहकने लगी। बहुत मुबारक हो मलिहा, उसने खुद को कहते सुना था। शुक्रिया, लेकिन तुम आओगी ना? देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, उसने उंगली के इशारे से तंबीह की। हाँ क्यों नहीं, वो जबरन मुस्कुरा भी नहीं पाई थी। न जाने क्यों उसकी नज़रें एक बार फिर अपने हाथों पर जम गई थी। सुर्ख रंग, मोहब्बत के खून का रंग उसके हाथों से अब उसके बाजुओं की जानिब बढ़ रहा था। वो उस कैंसर ज़दा रंग को अपने जिस्म में फैलने से रोक देना चाहती थी। वो दुपट्टे से अपने हाथ रगड़ रही थी। मलिहा पहले ही जा चुकी थी, सुर्ख रंग उसे अपनी लपेट में ले रहा था। खुदा के लिए, वो किसी अनदेखे से कहने लगी। वो नहीं जानती थी कि वो इन इल्तिजाओं में कितनी देर दुपट्टा हाथों से रगड़ती रही थी, रात तक या शायद अगली सुबह तक। काश मोहब्बत के सुर्ख रंग से छुटकारा पाना बहुत सहल होता। ये मलिहा के घर का लॉन था जिसमें इस वक्त चरागाह किया गया था। सफ़ेद कुर्सियों की दो कितारें थीं जिनके बीच बनी रविश पर सुर्ख कालीन बिछाया गया था। छोटे छोटे बरकी कमकमे बंगले की दीवारों से लेकर लॉन के हर छोटे बड़े पौधे पर चमकते दिखाई दे रहे थे, यूँ जैसे जंगल के सारे जुगनू रास्ता भूल के इधर निकल आए हों, या फिर टमटमाते तारे जो आसमान से ज़मीन पर उतर आए थे। मलिहा का ड्राइवर अमल को हॉस्टल से ले आया था। उसके आने से पहले ही चंद मेहमान तशरीफ़ ला चुके थे जिनमें से अक्सर चेहरे वो यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं देख चुकी थी। उन मेहमानों को तरह तरह के मशरूबात पेश किए जा रहे थे। अमल ने स्याह शलवार कमीज़ के साथ नेट का दुपट्टा सर पे ओढ़ रखा था जिसके किनारों पर चांदी रंग के धागे से नफीस सी कढ़ाई की गई थी। एक हाथ में स्याह कांच की चंद चूड़ियाँ और दूसरे में गोल्ड का बारीक सा ब्रेसलेट पहने, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किए, वो उस अफसानवी किरदार की मानंद नज़र आ रही थी जिसके हुस्न को बयां करते करते मुसन्निफ़ अपनी कई रातें हाथ में कलम पकड़े कागज़ के पलंदों पर झुके हुए गुजार देता है। सुरकालीन से बनी रविश पे चलती वो इर्द गिर्द देखती हुई मलिहा को ढूंढ रही थी मगर उसे वो कहीं भी नज़र न आई। अमल की कोशिश थी कि वो जहादात के वहाँ पहुँचने से पहले ही मलिहा को उसके मंगनी का तोहफा दे के वापस हॉस्टल चली जाए, लेकिन जैसा वो सोचती थी अगर वैसा हो जाता तो शायद उसे आज यूं चोरी छुपे वहाँ ना जाना पड़ता। वो जिसका सामना करने से डर रही थी अगले लम्हे वही स्टेज के पीछे से निकल आया था। उसके साथ शायद इवेंट मैनेजमेंट का कोई लड़का था जिसे वो कुछ हदायत दे रहा था। इससे पहले कि अमल वहाँ से गायब होती वो उसे देख चुका था और देखने के बाद अपनी बात कहना भूल चुका था। वो नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों होता था मगर जहादाद जब भी उसे देखता था वहीं पर खामोश हो जाता था, जैसे उसे अपनी हर बात अमल के सामने बेमोल सी लगती हो। उस लड़के को वहीं पर छोड़कर वो अमल के पास चला आया जो हवनक से बनी उसे ही देख रही थी। स्याह रंग की शलवार कमीज़ पर स्याह रंग की वास्किट जिस पर गोल्ड ब्रॉच चेन लगी हुई थी पहने वो सबकी नज़रों का मरकज़ बना हुआ था। अमल को बुत बने देख कर वो ताज्जुब किए बिना न रह सका। तुम्हारी हालत देख कर लग रहा है कि शायद तुमने कोई गैर यकीनी मंजर देख लिया है। क्या तुम यहाँ मेरी और मलिहा की मंगनी की रस्म में शिरकत करने के इरादे से नहीं आई? दोनों बाजू सीने पे बांधे वो आज भी अमल को उन्हीं नज़रों से देख रहा था जिनसे कभी उसे यूनिवर्सिटी में देखा करता था, लेकिन न जाने क्यों आज अमल को उन नज़रों से निकलने वाली तीर अपना वजूद छलनी करते महसूस हो रहे थे।
नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल मैं जानती नहीं थी कि मलीहा के पहुंचने से पहले आप यहाँ पहुंच जाएंगे। जवाबन तंज करती वो अपनी हालत पर काबू पा चुकी थी। मतलब तुम ये भी नहीं जानती कि हम एक ही घर में रहते हैं, मलीहा इस बंगले के दाएं हिस्से में और मैं बाएं हिस्से में। उसने हाथ से इस आलीशान बंगले की तरफ इशारा किया जिसकी रोशनियों में डूबी सफ़ेद दीवारें अमल पर अपनी दहशत से तारीफ कर रही थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हाथ में पकड़ा एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स दूसरे हाथ में मुंतकिल करती वो अपनी शर्मिंदगी छुपाती जबरन मुस्कुराई थी। काश मैं भी कुछ भूल सकता, नज़रें उस पर जमाए वो तासुब से बोला। इससे पहले कि वो कुछ कहती मलीहा वहाँ चली आई। अरे अमल, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? वो पुरजोश सी उसकी जानिब लपकी। वो मैं इन्हें मुबारकबाद देने के लिए रुक गई थी, अमल उसके गले से लगी कह रही थी। उसके कहने पर मलीहा फौरन उससे अलग हुई थी और अब जहाँ दाद को अजीब नज़रों से देख रही थी। क्या ही हसीन इत्तफाक है कि दोनों एक ही रंग में मलबूस दिखाई दे रहे हैं। मलीहा अपनी उस हैरानी को छुपा नहीं पाई थी। हालांकि मैंने इन्हें बोला भी था कि ये मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग करेंगे, मगर ये तो मेरी दोस्त के साथ मैचिंग करके आ गए। अपने गोल्डन लहंगे को एक नज़र देखती वो मुस्कुराहट के साथ तंजन कह रही थी, यक दिल न सही यक रंग ही सही। जहाँ दाद के लहजे ने वहाँ उन तीनों के बीच एक गहरी खामोशी तारी करती थी। चंद सानिये बाद खामोशी की इस बर्फ को जहाँ दाद की आवाज़ नहीं तोड़ा था, जवाब मलीहा जो अब मलीहा की जानिब मतवज्जा था। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मलीहा। अपनी तारीफ पर मलीहा उसकी पहली बात भूल गई थी। शुक्रिया, वो एक अदा से बोली। चलो मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। वो अमल को वहीं छोड़कर मलीहा को साथ लेकर स्टेज की जानिब बढ़ गया। अमल वहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी थी और वहीं एक कुर्सी पर ढह सी गई थी। वो सामने होता था तो अमल उससे लाताल्लुक हो जाया करती थी, वह नज़र से दूर होता तो उसकी जान लबों पर आ जाती। वो बरहा की ऐसी तेज़ तलवार पर चल रही थी जिसने उसके पैरों को गहरे ज़ख्म दे डाले थे। उस रात उसने जाना था कि अपना दिल निकाल कर किसी के हाथ में दे देने से कितनी तकलीफ़ होती है। वो मंगनी की रस्म शुरू होने से पहले ही वहाँ से लौट आई थी कि रूह का जिस्म से जुदा होने का मंजर आँखों से देखा ही कब जाता है। वक्त तो जैसे पर लगा कर उड़ने लगा था, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। उसके बहुत सारे सीनियर्स पास आउट हो चुके थे जिनमें से एक जहाँदाद भी था। उसने जहाँदाद को आखिरी बार उसकी और मलीहा की मंगनी पर देखा था, उसके बाद एक साल का अरसा बीत गया था लेकिन इत्तफाक से भी मुलाकात ना हो सकी। अलबत्ता मलीहा जानबूझकर जहाँदाद की बातें अमल को बताती रहती। उसके दिए गए तोहफे वो ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ अमल को दिखाने के लिए लाती या फिर उसे जलाने के लिए लाती। अमल उसे जितना बुलाने की कोशिश करती मलीहा उतना ही उसका जिक्र किया करती थी। उसका दिल चाहता उसे खामोश करा दे, चीख चीख कर उसे जतला दे कि उसकी झोली में जहाँदाद को डालने वाली अमल ही थी। अगर बचपन में उसका रिश्ता उसके चचा जात से तय ना कर दिया जाता तो आज जहाँदाद के नाम की अंगूठी अमल की उंगली में होती। उसके अब्बा जी ने बेशक उसे आला तलीम की इजाज़त उसकी मोहब्बत में दे दी थी, वरना उनके यहाँ तो कोई लड़की हवेली की चार दीवारी से बाहर भी कदम नहीं रख सकती थी। उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी तो फिर बाहर के लड़कों से शादी करना तो वैसे ही गुनाह कबीरा समझा जाता था जिसकी सज़ा वो सिर्फ मौत की सूरत में देते थे। उसे याद था कि चंद साल पहले उसकी फूफो की बेटी गांव के किसी लड़के के साथ शादी करना चाहती थी और फिर कुछ दिनों बाद उसकी लाश घर की बलाई मंजिल से मिली थी। कहा गया था कि उसने खुदकुशी कर ली थी, मगर सब जानते थे कि यह खुदकुशी से बढ़कर कत्ल का मामला था। वैसे भी उसके अब्बा जी ने हमेशा उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी तो वो अब ऐसा कोई भी कदम उठा के अपने अब्बा जी को ख़ानदान भर में रुसवा नहीं कर सकती थी। उसने ये कहकर खुद को तसल्ली दे ली थी लेकिन जहाँदाद का नाम अक्सर उसे बगावत पर मजबूर कर देता था। वो हर रात अपने अंदर की बागी लड़की से लड़कर उसे मार देती लेकिन न जाने क्यों जहाँदाद का जिक्र सुनकर वो दोबारा जिंदा हो जाती। तो मोहब्बत ऐसी बला का नाम है जिसे जितनी बार मारा जाए उतनी ही बार जिंदा होती है और जिंदा होने के बाद उतना ही नुकसान पहुँचाती है। उसने खुद को बहुत सी चीज़ों में मसरूफ़ कर लिया था। वो यूनिवर्सिटी की एक ऐसी सोसाइटी के साथ काम करने लग गई थी जो गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देती थी। उन बच्चों के लिए हर डिपार्टमेंट से फंड्स इकट्ठे किए जाते और फिर उन पैसों से बच्चों में यूनिफॉर्म, किताबें, बस्ते और दीगर ज़रूरी चीज़ें तकसीम की जाती। वो सारा दिन सोसाइटी मेंबर्स के साथ काम करती, उनकी मीटिंग्स में जाती और फिर कभी कभी बच्चों से मिलने और उन्हें पढ़ाने भी चली जाती। इसके अलावा उसने एक ऐसी तंजीम की मेंबरशिप भी हासिल कर ली थी जो जहेज़ की रस्म के खिलाफ जंग लड़ रही थी। यूं वो हर काम कर रही थी जिससे उसका जहन मसरूफ़ रहता। इसी तरह देखते देखते उसके छठे सेमेस्टर के मिड्स आ गए थे।
गर्मियों की एक नारंगी शाम थी। हल्की हल्की हवा ने हबस कम कर दिया था। वो अपने कमरे को लॉक लगाकर नोट्स हाथ में उठाए बाहर ग्राउंड में चली आई थी, जो रट्टेबाज लड़कियों से भरा दिखाई दे रहा था। उनमें से कुछ लड़कियां पेंडुलम की तरह आगे पीछे झूल झूल के पड़ रही थीं, जबकि कुछ लड़कियां इम्तिहानात जैसी बला से बेखौफ सी ग्राउंड में पीछे बेंचों पर बैठी कहकहे लगा रही थीं। ये न्यू कमर्स थीं शायद, जिनके पेपर्स एक दो हफ्ते बाद होते थे, और चंद लड़कियां कैंटीन से खाने पीने की चीज़ें हाथ में पकड़े अपने अपने हॉल्स की जानिब तेज़ी से बढ़ रही थीं। अमल एक पुरसकून सा गोशा देख कर वहीं नीचे घास पर बैठ गई और रजिस्टर पर बुक मार्क किया गया सफ़ा खोल के पढ़ने लगी। अभी वो बमुश्किल दो सफहात ही देख पाई थी कि तभी एक लड़की उसकी जानिब दौड़ती चली आई। वो अमल के साथ पहले कमरे में ही रहती थी। क्या हुआ नुदरत? अमल ने उसे यूं अपनी तरफ आते देखकर हैरत से पूछा। तुम यहाँ बैठी हो और मैंने पूरा हॉस्टल छान मारा है, वो अपना सांस दुरुस्त करती कहने लगी। क्यों? वो वार्डन बुला रही है तुम्हें, तुम्हारे घर से फ़ोन आया है। अल्लाह खैर करे। वह नोट्स उठाकर तेज़ी से कदम उठाती वार्डन के ऑफिस की तरफ आई थी। मैम, अमल ने दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हो गई। जी अमल, फ़ोन कहाँ है आपका? वो ऐनक के शीशों से उसे घूरते हुए बोली। फ़ोन तो मेरे कमरे में ही रह गया था मैम, मैं पढ़ रही थी ना इस वजह से, उसने सबूत के तौर पर अपने हाथ में पकड़े नोट्स बेसाख्ता आगे कर दिए। अच्छा ठीक है, वो ऐनक ठीक करती अपने सामने खुले रजिस्टर पे दोबारा झुक गई। वो नुदरत कह रही थी कि मेरे घर से फ़ोन, उसने यहाँ अपने आने की वजह बताई थी जिसे वार्डन शायद ज़रूरी नहीं समझती थी। तुम्हारे अब्बू की तबीयत नहीं ठीक, और इससे आगे अमल से कुछ सुना ही नहीं गया था और फौरन अपने कमरे की जानिब दौड़ी थी। उसके मोबाइल पर कई कॉल्स आ चुकी थीं। उसने अपने दोनों भाइयों के नंबर्स पर कॉल बैक की, मगर दोनों का ही नंबर बन जा रहा था। घर का नंबर मिलाया तो किसी ने भी फ़ोन ना उठाया। या अल्लाह, सब खैर हो? उसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था और जिस्म बुरी तरह लरसने लगा था। वो अपने कपकपाते हाथों से नंबर मिलाने की कोशिश जारी रखे हुए थी, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। उसने मोबाइल वहीं बेड पर उछाला और अलमारी से ज़रूरी सामान लेके बैग में रखा। थोड़ी देर बाद ही उसे इत्तला मिल गई थी कि उसके घर से गाड़ी उसे लेने आई है। वो वार्डन को इत्तला देकर सूटकेस धकेलती मेन गेट की जानिब बढ़ गई। कॉरिडोर से गुजरते वक्त मलिहा ने उसे यूं जाते देखा था, मगर उससे पूछने की बजाय वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अमल की सारी गलतफहमी दूर हो गई थी, मलिहा उसकी दोस्त नहीं थी। अब्बा जी को हार्ट अटैक हुआ था और उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ से अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली थी। वो हवेली के दालान में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी और ज़ेर लब हर वो विर्द कर रही थी जो उसे उस वक्त याद था। उसके दिल में आते वसवसे उस पर कपकपी तारी कर देते तो वह सर झटक कर अपने ख्यालात की सरजनिश कर देती। अब्बा जी ठीक होके आ जाएंगे इंशाल्लाह, उसने खुद को खुद से तसल्ली देते हुए सुना था। अमल के लिए वो वक्त बहुत ही मुश्किल था कि कोई उसे तसल्ली देने के लिए गले से नहीं लगा रहा था। दोनों भाइयों ने न जाने अपने फ़ोन क्यों बंद कर दिए थे। जान थी कि लबों पे आ रही थी, दिल था कि संभलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी दोनों भाभियाँ एक ही चारपाई पर बैठे हुए कन अखियों से उसे ही देख रही थीं और आंखों ही आंखों में इशारे करते हुए न जाने आपस में क्या बातें कर रही थीं। उसकी बड़ी भाभी उसके आने से पहले ही अपने मायके से हवेली आ गई थी, दिल से खैर ख्वाह होकर नहीं बल्कि दुनियादारी के लिए। सकीना दालान के सतून के साथ मूढ़ा रखे बैठी सुपारा पढ़ रही थी और चौधरी साहब के सही सलामत आने की दुआएं दिल ही दिल में कर रही थी। भरजाई, कहीं से तो पता करें, वो बेचैनी से उनकी जानिब लपकी थी। हम कहां से पता करें? तेरे भरा ने बोला था कि वो खुद ही इतला दे देंगे। हाथ में पकड़ी तस्बीह पर बिना कुछ पढ़े वो दाने पर दाना गिराती तिनक के बोली। कुछ ही देर में एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसने अमल के दिल को एक लम्हे के लिए बंद कर दिया था। उसने अपनी हर सोच की नफी की थी और ज़बान पर जारी विर्द को तेज़ कर दिया था। सायरन की आवाज़ करीब से करीब तर होती जा रही थी। उसका वजूद खजान रसीदा खुश्क पत्ते की तरह लरसने लगा था। करीब से करीब तर इर्द गिर्द अजब सा शोर उभरने लगा था। माहौल घुटन ज़दा हो रहा था। एम्बुलेंस हवेली के बड़े गेट के सामने आन रुकी थी। घर के मुलाजिम गेट की जानिब दौड़े थे। एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा खुल चुका था। अमल हवेली की राहदारी में दौड़ी चली आई थी। पहले शाहनवाज और फिर दिलावर उतरा था, लेकिन जिन्हें देखने के लिए आंखें बेताब थीं वो कहीं नज़र नहीं आए थे। घर के मुलाजिम आगे बढ़े और शाहनवाज के इशारे पर एम्बुलेंस से स्ट्रेचर उतारने लगे। अमल की टांगें बेजान हो रही थीं, यूं जैसे जानकुनी का अमल वक्त से पहले ही शुरू हो चुका था।
स्ट्रेचर पर पड़े वजूद का चेहरा सफ़ेद कपड़े से ढांपा गया था। काश इस कपड़े के नीचे मेरे अब्बा जी ना हों, उसका दिल दुआएं करने लगा था। स्ट्रेचर हवेली की राहदारी में लाकर उसके करीब खड़ा कर दिया गया था। वो कपड़ा हटाना नहीं चाहती थी, लेकिन सफिया भरजाई ने बर्क सी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नहायत बेरहमी के साथ कपड़ा मुँह से परे हटा दिया था। अमल उस बेरौनक चेहरे को मज़ीद देख नहीं पाई थी और बेहोश होकर वहीं गिर गई। मौत की सम्फनी पर ज़िंदगी का रक्स ख़त्म हो गया था। उसके अब्बा जी नहीं रहे थे, वो जा चुके थे। अब्बा जी को इस दुनिया से गए हुए 3 हफ्ते हो चुके थे। उसके इर्द गिर्द सब कुछ मामूल के मुताबिक होने लगा था। एक बस वही थी जो मामूल के मुताबिक कुछ भी नहीं कर पा रही थी। घड़ी की सुइयाँ तो जैसे अब्बा जी के दम से चलती हों। अब वो नहीं रहे थे तो वक्त भी चलता महसूस नहीं होता था। वक्त तो वहीं ठहर गया था। शाम के उस लम्हे में जब वो उन्हें विदा करके हॉस्टल गई थी, वो मुस्कुराते हुए उसके सर पे हमेशा की तरह प्यार दे रहे थे। इस दफ़ा जल्दी आ जाना पुत्री, अब्बा जी इम्तिहान शुरू हो रहे हैं मेरे, इतनी जल्दी नहीं आ सकती मैं। वो सर पर चादर ठीक करती बलाई मंजिल की सीढ़ियाँ उतरने लगी। फिर तुझे ही शिकायत होगी, वो नरूठेपन से बोले थे। कोई शिकायत नहीं होती अब्बा जी, आप बस अपना ख्याल रखिएगा। वो आखिरी जीने पर खड़ी होकर ऊपर देखने लगी। चौधरी हदायत रसूल चेहरे पर उदासी लिए उसे ही देख रहे थे। उसे उस लम्हे से पहले अब्बा जी ऐसे कभी नज़र नहीं आए थे। खुद ही आकर रख लेना ख्याल, उदासी गहरी से गहरी तरीन होती जा रही थी। अब्बा जी 2 हफ्तों की ही तो बात है, यूँ पलक झपकते ही गुजर जाएंगे, दाएँ हाथ से चुटकी बजा कर कहती वो 1-2 जीने ऊपर चढ़ आई थी। हाँ पुत्री, 2 हफ्तों की ही तो बात है। इल्हाम का जाने वो कौन सा लम्हा था जिसने उसके अब्बा जी को कैद कर लिया था। अल्लाह हाफिज़ अब्बा जी, वो इल्हाम के उस लम्हे को नज़रअंदाज करती सीढ़ियाँ उतर गई थी। रब रखा मेरी दीरानी, वो उसे खुद से दूर जाता देख कर होले से बोले थे। काश अब्बा जी, काश मुझे इल्म होता कि इन 2 हफ्तों में ये सब हो जाना है तो मैं कभी भी न जाती। वो चौधरी हदायत रसूल के कमरे में थी जहाँ उनकी महक उनके ज़िंदा होने का एहसास दिलाती थी। वो कहीं भी दिखाई नहीं देते थे, मगर अमल को वो हर लम्हे अपने इर्द गिर्द महसूस होते थे। वो हॉस्टल जाने से पहले उस कमरे में आई थी और अब यहाँ से जाने का दिल नहीं चाह रहा था। उसने एक गहरा सांस लिया और अब्बा जी के कमरे से निकल आई। ना चाहने के बावजूद उसे हॉस्टल जाना पड़ रहा था। वो चाहती थी कि फाइनल्स से पहले मिड्स दे दे ताकि बाद में उस पर पढ़ाई का बोझ ज़्यादा ना हो। सकीना उससे आगे चलती उसका सामान हवेली के दलान में ले आई थी जहाँ अब्बा जी की चारपाई दीवार के साथ खड़ी कर दी गई थी। उसने एक नज़र उसे देखा था, अब कौन था वहाँ जो कहेगा कि पुत्री इस बार जल्दी आ जाना। बरामदे से निकलते वक्त आंसुओं का रेला उसकी आंखों से बह निकला था। चादर से आंखें साफ करती वो गेट की जानिब राहदारी पर कदम रखने ही लगी थी कि तभी अकब से उसे खिलाफे मामूल शाहनवाज की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ जा रही है तू? वो इस आवाज़ पे चौंक कर रुक गई। बड़ा, मैं हॉस्टल जा रही हूँ, उसने वहीं एड़ियों के बल पलट कर जवाब दिया। सकीना सूट केस लेकर उससे चंद कदम के फासले पर खड़ी हो गई थी। क्यों? शाहनवाज चेहरे पे अजब से तासुरात लिए उसके करीब चला आया। बड़ा, मेरे इम्तिहान रह गए थे और मैं... वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि वो पहले ही गरज उठा। कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्टल शॉस्टल जाने की, घर में रहो, तुम्हारे अब्बा जी तो रहे नहीं, अब मैं कहाँ अपने काम छोड़कर तुम्हारी हिफाजत करता फिरूँगा। शाहनवाज की नशे से मखमूर आँखें उस वक्त बिल बमुश्किल खुल रही थी, मगर उसकी आवाज़ में इस कदर रोब था कि अमल कुछ सानिए गंग सी रह गई। लेकिन मेरा आखिरी साल शुरू होने वाला है, उसने दबा दबा सा एहतजाज किया। कह दिया ना घर में रहो और अपनी भरजाइयों से घरदारी सीखो, कल कलां को तुम्हें रुखसत भी तो करना है। वो अपना हुक्म सुनाकर सकीना की जानिब मतवजा हो गया। ये सामान इसके कमरे में रखो और चौकीदार से कह देना कि घर में आने जाने वालों पर कड़ी नज़र रखे। और हाँ, क्या नाम था भला उस लड़के का? उसने पेशानी मसलते हुए नाम याद करने की कोशिश की। हाँ, जहादात, अगर वह दोबारा नज़र आए तो उसे गोली मार दे। शरीफों के घरों में अब यूनिवर्सिटी के लड़के भी आने लगे हैं। अमल पर नखुवत भरी निकाह डालकर वो बरामदे के आखिरी दरवाजे के पीछे गायब हो गया। जहादात का नाम सुनकर उसका दिल अजब से खदशे से भर चुका था। वो यहाँ क्या लेने आया था? अमल बाजी, सकीना ने उसके करीब आकर उसे पुकारा था। हाँ, वो चौंकी। ये सामान अंदर रख दूँ? अभी के लिए रख दो और सुनो, चौकीदार से जहादात के बारे में कुछ ना कहना, मैं खुद ही जहादात को मना कर दूंगी। गालों पर फिसलते आंसू सख्ती से रगड़ कर साफ करती वो वहीं मूढ़े पे बैठ गई।
जिसके सामने कभी अब्बा जी की चरपाई बिछी होती थी और वो इस वक्त उसे दुआओं के साए तले रुखसत किया करते थे। जब तक वो गेट से निकल न जाती वो उसे देखते ही रहते और कुछ न कुछ पढ़कर भूखते रहते। मगर अब यूं दुआओं तले रुखसत करने वाले उसके अब्बा जी नहीं रहे थे। दुआओं का आसार टूट चुका था और हादसा ने उसे घेर लिया था। अगले 3 माह बड़ी तेज़ी के साथ गुजरे थे। अब्बा जी के लाडों से पली बड़ी अब भरजाइयों की ठोकरों पे आ गई थी। सारा दिन वो उनकी खिदमत में लगी रहती, लेकिन फिर भी ज़रा सी गलती पर दोनों में से कोई एक उसे हर रोज़ पीट डालती। उसका मोबाइल उससे उसी दिन छीन लिया गया था। वो जहादात से रब्ता नहीं कर पाई थी। वह नहीं जानती थी कि जहादात दोबारा वहाँ आया था या नहीं। बाहर की दुनिया से उसका हर रब्ता ख़त्म कर दिया गया था। वो सूख कर ढांचा बनने लगी थी। वो शुरू में चीखती चिल्लाती तो उसकी आवाज़ हवेली की ऊंची दीवारों से टकरा कर उसके पास ही लौट आती, मगर गुजरते वक्त के साथ खामोशी की अमर बेल उसकी आवाज़ पीने लगी। हवेली की दीवारों को नहीं याद कि आखिरी बार उन्होंने अमल की दर्द भरी आवाज़ कब सुनी थी। वो खामोश सी डरी सहमी सी सारा दिन बैल की तरह कामों में जुती रहती। सगीना ने उसकी हालत देख कर यकीन कर लिया था कि ऊँचे महलों में रहने वाली शहजादियाँ खुशकिस्मत नहीं होती, बल्कि वो तो ऊंचे मीनारों में कैद कर दी जाती हैं। जहाँ से किसी का गुजर हो भी जाए तो उसे अंधा कर दिया जाता था। ऐसी ही एक बदकिस्मती ने उसकी ज़िंदगी के दरवाजे पर फिर से दस्तक दे डाली थी। शाहनवाज़ ने चंद कागजात उसके सामने ला फेंके तो अमल ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा था। दस्तखत चाहिए इन पर तुम्हारे, उसने पेन का ढक्कन उतार कर अमल की जानिब बढ़ा दिया। ये किस चीज़ के कागजात हैं? उसकी पपड़ी ज़दा होंठ नकाहत से हिले थे। तेरे अब्बा जी की नाइंसाफ़ी के पीछे खड़ा दिलावर आतिशफिशां पहाड़ की तरह फटते हुए यूं बोला था जैसे अब्बा जी से उन दोनों भाइयों का कोई रिश्ता नहीं था, शायद बाकी नहीं था। अमल ने सहम कर एक एक कागज़ को देखा तो उनके मुताबिक वो अपनी जायदाद अपने दोनों भाइयों के नाम बिना किसी दबाव के कर रही थी। लम्हों में उसका सुन हुआ दिमाग बेदार हुआ था और उसने करंट खाकर कागजात चारपाई पर फेंक दिए थे। नाइंसाफ़ी तो आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ, वो खुद में सारी हिम्मत जमा करती उनके बिलमुकाबिल खड़ी हो गई थी। लेकिन अगले ही लम्हे शाहनवाज के ज़ोरदार थप्पड़ ने उसे दोबारा चारपाई पर गिरा दिया था। मेरे सामने बकवास कर रही है तू? यहीं जिंदा गाड़ दूंगा तुझे, वो ऑल फॉल बकते हुए उस पर धाड़ने लगा। इस पर दस्तखत करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। मैं आप लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगी। ये जायदाद मेरा हक है और आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। आंखों से बहते आंसू उसकी आवाज़ भिगोने लगे थे। तो ठीक है, फिर कोठरी में पड़ी जिंदगी भर गलती सड़ती रहना, ये कहकर वो दोनों फुनकारते हुए बाहर चले गए। अमल नहीं जानती थी कि वो किस कोठरी की बात करके गए हैं और ये बात वो रात को जान चुकी थी जब उसका मुंह और हाथ पैर बांध कर उसे गाँव के बाहर एक वीरान घर में बंद कर दिया गया था। वो एहतजाज करती रही, हाथ जोड़ कर उनके सामने मिन्नतें करती रही, मगर उन्हें तरस ना आया। ये वीरान सा घर कई साल पहले शाहनवाज और दिलावर की अय्याशियों का अड्डा हुआ करता था। फिर बाद में उसे उन औरतों के लिए जेल खाना बना दिया गया जो उन दोनों भाइयों के सामने उनकी किसी भी बात से इनकार कर दिया करती थी, जो किसी भी सूरत अपनी इज्जत का सौदा नहीं होने देती थी। उन औरतों पर वहाँ इस कदर तशद्दुद किया जाता कि रात का सन्नाटा दर्दनाक चीखों से गूंज जाता। उन चीखों के बारे में जल्द ही मशहूर कर दिया गया था कि वहाँ जिन्नों और चुड़ैलों का बसेरा है, इसलिए गांव का कोई भी तोहम परस्त फर्द उस तरफ जाने की हिम्मत न करता। और आज उन औरतों में उसे भी शामिल कर दिया गया था जिनकी सिसकियाँ हवा के पर्दों पर नक्श हो गई थीं, जिनके आंसू सूख गए थे और आहें दम तोड़ गई थीं। अफसोस, उड़ने से पहले ही उसके पर टूट चुके थे और वो ज़मीन पर गिर पड़ी थी। दिए की मध्यम सी लौ में उसने बमुश्किल आंखें खोलकर इर्द गिर्द के माहौल से शनासाई हासिल करने की कोशिश की थी। सुलाखदार दरवाजे के उस पार से एक सिसकी उसे सुनाई दी तो वह डर से सहम कर दीवार के साथ जा लगी। कोई है यहाँ? सिसकी एक बार फिर कहीं से उठी थी और अब की बा आवाज़ बहुत वाजिया थी। शाहनवाज बड़ा, अंधेरा इस कदर ज़्यादा था कि उसे दीवार पर बनते अपने ही साइज से खौफ आ रहा था। वो अंधेरों की आदी नहीं थी और अंधेरे भी ऐसे कि जिनसे वहशत के भूत निकलकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। दिलावर भरा, मुझे डर लग रहा है, वो हिम्मत करके चिल्लाई, मगर आवाज़ सूखे लबों के पीछे ही कहीं दब कर रह गई। सिसकियों की आवाज़ मुसलसल आने लगी थी। अब्बा जी,
कौन है उस तरफ? एक दम तोड़ती औरत। एक मरियल सी आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो वो खुद में हौसला जमा करती ज़रा सा दरवाजे की जानिब सिरक गई। कहाँ हो तुम? अमल ने कान दरवाजे के साथ लगाकर उसका जवाब सुनना चाहा। इसी कमरे में। अब की बार से सकती आवाज़ बहुत करीब से उठी थी। अमल डर के मारे करंट खाकर पलटी तो कमरे के बाएं कोने में उसे एक हौला सा नज़र आया जो चराग की मध्यम रोशनी में नहायत भयानक मालूम हो रहा था। पानी दे दो, खुदा का वास्ता है, हौले के लब हिलते हुए महसूस हुए थे। अमल कुछ सानिए बेहिसो हरकत उसे देखती रही और फिर उसने इंसान होने और फिर उसके इंसान होने का यकीन करके उसकी जानिब बढ़ गई। पानी, दम तोड़ती आवाज़ वक्फे वक्फे से उभर रही थी। अमल ने उठकर ताक में से चराग उठाया और उसकी लो में पानी तलाश करने लगी। दरवाजे के करीब ही मिट्टी का एक घड़ा रखा था जिसके करीब पड़ा मिट्टी का एक गंदा सा ग्लास ऊपर किनारों से तकरीबन टूट चुका था। उसने चराग एक तरफ रख कर ग्लास उठाया और पानी से आधा भरकर उस हेवले की जानिब चली आई। पानी, हाँ ये पियो, अमल ने ग्लास उसके लबों से लगाया तो वो घूंट घूंट करती इस तरह पानी पीने लगी जैसे हलक से नीचे मैदे तक सारा रास्ता जख्मी हो। उसने चराग उठाकर उसके करीब किया तो उसे देखते ही वो चीख उठी थी। सामने बैठी उस औरत का चेहरा जख्मों से भरा नजर आ रहा था जिनसे रिश्ता खून दिए की जर्द लो में अजब भयानक दिखाई दे रहा था। वो अपने बेजान पड़ते वजूद को पीछे की तरफ धकेलती दोबारा दीवार से जा लगी थी। उसे अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था क्योंकि वो जान चुकी थी कि बहुत जल्द उसका अंजाम भी इस औरत जैसा होने वाला था। वक्त के थाल पर महीनों के सिक्के एक एक करके गिरते चले जा रहे थे। वह नहीं जानती थी कि उसे वहाँ कैद हुए कितना अरसा गुजर चुका था। याद थे तो बस वो चेहरे जो उसके सामने उस कमरे में दम तोड़ गए थे, जख्मों से चूर चेहरे के जिनकी खाल हमेशा खून से तर रहती। हर तीन चार माह बाद कोई ना कोई जवान लड़की या ढलती उम्र की औरत लाकर उस कमरे में बंद कर दी जाती जो कुछ अरसा वहाँ दर्द से कराहती रहती और फिर बिलाखिर दम तोड़ जाती। आखिर ये मौत मुझे ही क्यों नहीं आती, वो कह उठती और मौत के इंतज़ार में आँखें फिर से मूंद लेती। जब वो उठती तो खुद को फिर से ज़िंदा पाती। एक दिन शाहनवाज जाने से पहले कह गया था, गांव वालों की नज़र में तू मर चुकी है, तू इधर ही मरी रह, बाहर जी कर क्या करेगी। वो मिन्नतें तरले करती रह गई कि वो इस गांव से कहीं दूर चली जाएगी, किसी को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएगी, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई बात ना सुनी और उसे वहीं पड़ा रहने दिया। कुछ महीनों बाद उसके साथ एक कम उम्र लड़की को लाकर कमरे में डाल दिया गया था जो शायद उसके गाँव की ही थी। वो डरी सहमी सी लड़की अमल को यूं वहाँ देख कर मज़ीद डर गई थी। आप तो मर गई थी, वह लड़की उस हकीकत से इनकारी हो रही थी जिस पर यकीन करना मुश्किल दिखाई दे रहा था और वो भी कई साल पहले। उसके लहजे में बेयकीनी थी। कितने साल पहले? अमल ने आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए थे और अपने इस अमल की उसने कोई वजाहत नहीं दी थी। 6 साल पहले। अमल के यूं करीब आने पर उस लड़की ने उसे गौर से देखा तो वो उस अमल से मुख्तलिफ दिखाई दी थी जिसे गांव की सब लड़कियां रश्क से देखा करती थीं। उसके भरे गुलाबी गालों से अब हड्डियां बाहर निकल आई थीं। उसकी खूबसूरत चमकती भूरी आंखें अंदर को धंस गई थीं, यूं के जैसे वहां गढ़ों के सिवा कुछ भी ना था। हड्डियों पर खाल बराए नाम थी और लंबे रेशमी बाल उलझे से बिखरे से थे और उनमें चांदी उतर आई थी। उसकी गुलाबी होंठ अब पपड़ी ज़्यादा नज़र आते थे। 6 साल। अमल सदमे से पीछे की जानिब ढह गई। 6 साल गुजर गए, उसके लिए यकीन करना बहुत तकलीफ दे महसूस हो रहा था। मुझे मरे हुए 6 साल गुजर गए या फिर अपने हिस्से की मौत का इंतज़ार करते हुए 6 बरस बीत गए? उसने ये सवाल खुद से किया था या उस लड़की से जिसका नाम राबिया था? राबिया ये समझ नहीं पाई थी। आपकी लाश तो हवेली के पिछले कमरे से मिली थी जी, मुझे अब ठीक से नहीं याद, लेकिन गाँव में यही शोर मचा था कि आपने खुद को जला कर खुदकुशी कर ली है। मेरी जली हुई लाश? हाँ जी, मैंने खुद देखी थी, सड़कें सवा हुई पड़ी थी। वो अपनी उम्र के बरअक्स बहुत मासूम थी इसीलिए हर चीज़ का जिक्र बिना सोचे समझे कर रही थी। ये जाने बगैर के अमल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। और वो सकीना कहाँ गई जो अम्मा रशीदा की बेटी थी? एक वही तो अमल की हमदर्द थी, राजदार थी, मगर इन 6 सालों में वो भी कभी उसकी मदद को नहीं आई थी।
अमल ने यह कहकर खुद को तसल्ली दे ली थी कि अगर उसके सगे भाई उस पर रहम नहीं करते तो कोई और क्यों उसकी मदद को वहाँ आएगा। वो तो उसी दिन हवेली से भाग गई थी जिस दिन आपकी लाश, मेरा मतलब है कि वो जली हुई लाश मिली थी जी। ओ खुदाया, उसे अब हर बात समझ आने लगी थी। सकीना कभी वहाँ से नहीं भाग सकती थी, इस बात का अमल को 100% यकीन था। वो लाश सकीना की होगी, यकीनन उसे जलाकर मार डाला गया होगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। सकीना का मासूम सा हंसता मुस्कुराता चेहरा उस तारीख कमरे में हर तरफ नज़र आने लगा था। उसकी कब्र पर मेरे नाम का कुतबा लगा होगा। अमल को अपनी जाँ हलक में अटकती महसूस हुई थी। खुदा गारत करे इन दरिंदों को, आज इतने सालों बाद उसके लबों से बददुआएँ जारी हुई थी। उसने उन्हें रोकना नहीं चाहा था कि ऐसे दरिंदों का गर्क होना ही बेहतर था, तो फिर चाहे वो दरिंदे उसके सगे भाई ही क्यों ना हो। वो 18 साल की लड़की जिसने अपना नाम राबिया बताया था, अगले दिन वो कमरे में नहीं थी। उसे बोकरी सूरत किद उठा के ले गए थे, जिनकी आंखों में मौजूद हवस से जानवर भी पनाह मांगते थे। राबिया गई और फिर दोबारा कभी ना आई। ये आखिरी बार था जब अमल ने वहाँ किसी लड़की की मौजूदगी को उस कमरे में महसूस किया था। उसके बाद उस कमरे में किसी को भी ना लाया गया, मगर चीखों की आवाज़ें हर रात कहीं ना कहीं से सुनाई देती रहती थी। वो कानों में उंगलियां ठूस लेती और उनकी वहशत से अपने लरसते जिस्म को पुरसकून बनाने की कोशिश करती। वो मर्दों के इस मोशरे से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ मर्द के सामने औरत का इनकार बर्दाश्त नहीं किया जाता था, जहाँ भाई इनकार सुनकर बहनों को अपनी गैरत की सूली चढ़ा देते थे, जहाँ कम सिन लड़कियों के मुंह से निकलने वाला इनकार उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर देता था, जहाँ कई राबिया जवानी को पहुँचने से पहले ही कब्रों में उतार दी जाती थी। इस माशरे में मर्द को तो इनकार की इजाज़त है, मगर औरत को नहीं। मर्द इनकार करता है तो उसकी मर्दानगी तसव्वुर की जाती है, औरत इनकार करती तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाती है। मगर इस दुनिया में जहाँ दाद जैसे मर्द भी तो पाए जाते हैं जो औरत के इनकार का भी एहतराम करते हैं। न जाने ये तरबियत का खेल है या फितरत का, सब मर्द अच्छे नहीं होते, लेकिन सब मर्द बुरे भी तो नहीं होते। दुनिया में तवाज़न शायद इसी वजह से कायम है। आज उसे जहाँ दाद बहुत याद आया था, वो उसे भूली नहीं थी, मगर उसे याद करने की कोई वजह भी तो नहीं थी। जिंदान की सलाखों के पीछे किसी ऐसे शख्स की चाह रखना जिसे खुद ही अपने हाथों से किसी और को सौंप दिया हो, कोई मायने नहीं रखती। मोहब्बत वही है जिसकी बर वक्त कदर की जाए, बाद में बेकदरी की धूल उस पर चढ़ जाए तो फिर कोई जज्बा शफाफ नहीं रहता। वो नहीं जानती थी कि जहाँ दाद अभी तक अपने दिल में मोहब्बत का शफाफ जज्बा लिए उसे ढूंढ रहा होगा, या फिर उसने भी मोहब्बत पर उसी दिन फातह पढ़ ली थी जब वो डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर आखिरी बार मिले थे। शाम में अलम आई थी और आकर गुजर गई, मगर उसे गुजरने में 13 साल का अरसा बीत गया था। अमल ने उन सलाखों के पीछे जाना था कि कैद का एक लम्हा आज़ादी की 100 सदियों के बराबर होता है, इतना तवील के जवानी बुढ़ापे में ढल जाए, जैसे उसकी जवानी को कैद का अजदहा निकल गया था। जब वो यहाँ कैद में लाई गई थी तब 22 साल की थी, और आज जब उसे एक दारुल ईमान में मुंतकिल किया गया तो वो 35 साल की हो चुकी थी। एक बूढ़ी सी औरत जिस पर पहले नज़र में सिर्फ हमदर्दी ही की जा सकती थी, अगर वो मनपसंद ज़िंदगी गुजारती तो यूँ वक्त से पहले बूढ़ी ना होती। उसका यहाँ से आज़ाद होना किसी मौजज़े से कम नहीं था। गुज़िश्ता महीने पुलिस इंस्पेक्टर शहरयार की ज़ेरे निगरानी होने वाले ऑपरेशन में उसे वहाँ से बाज़याब करवाया गया। उस समेत 4 औरतें शाहनवाज़ दिलावर की कैद में थीं। उनकी ख़राब हालत के पेश नज़र उन 5ों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनका इलाज नशेमन नामी एक ट्रस्ट ने करवाया। उस कार्रवाई की दरख्वास्त भी हकूमत वक्त से उसी ट्रस्ट ने की थी, जिसकी खबर इंतज़ामिया को एक ऐसी औरत से हुई थी जो कुछ अरसा पहले जिंदान से किसी तरह भाग निकलने में कामयाब हो गई थी। यहाँ आने के बाद वो सब कुछ जानबूझकर भूल चुकी थी। अगर उसे कुछ याद था तो वो तब भी कुछ याद नहीं करना चाहती थी। नशेमन में उसके जैसी और भी बहुत सी खवातीन थीं जो मर्दों के माशरे में लावारिस बनाकर उस दारुल अमान में वक्त के रहमो करम पर छोड़ दी गई थी। कुछ जालिम मर्दों के चुंगल से बच के यहाँ चली आई थी। कुछ के शौहरों ने उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया था। कुछ के बाप अपनी बेटियों का बोझ उठा नहीं पाए थे। गर्ज वहाँ कई औरतें थीं और हर औरत की अपनी ही एक कहानी थी जिसे जो सुनता रो देता। ये औरतें रफ्तार रफ्तार अपनी ज़िंदगी की जानिब लौट रही थीं।
वो सब आपस में बातें करती, हंसी मजाक करती, ज़िंदगी को फिर से जीने की कोशिश करती। अमल उनके बरअक्स थी, वो किसी से ना कोई बात करती और ना ज़िंदगी को फिर से जीने की कोशिश करती। बस सारा सारा दिन नशे मन के वसी सहन में लगे एक झूले पर बैठी दिन से रात होने का इंतज़ार करती और फिर सुबह के आने के इंतज़ार में रात आंखों में गुजार देती। उसे अभी तक यही लगता था कि वो कैद में है, बस ये कैद खाना बहुत बड़ा था, उस कमरे से कहीं बड़ा जिसकी घुटन उसे आज भी खुली फिजा में महसूस होती थी। वो इस रिहाई को शायद अपना ख्वाब समझती थी कि बोलेगी तो नींद से जाग जाएगी, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कोई उसे नींद से जगाने वहाँ चला आया था और वो बेबस सी बैठी हाथ मसलती रही। तड़ तड़ बरसती बारिश ने लम्हों में जल थल कर दिया था। नशेमंद के सहन में गिरती बारिश उसकी सारी तवज्जो लिए हुई थी। वो इर्द गिर्द से बेखबर बरामदे में रखे बेंच पे बैठी आसमान से गिरती बूंदों का तमाशा देख रही थी जो बुलंदी से गिरकर ज़मीन की पस्ती में कहीं खो जाती। सहन में इकट्ठे होते पानी में रंग बिरंगे कागज़ों से बनी कश्तियाँ बेसिमत चल रही थीं, जैसे उन्हें मंजिल पर पहुँचने की ज़रा भी जल्दी ना हो। वो एक दूसरे से टकराती और फिर जुदा होकर अपनी सिमत बदल लेती। उनमें से कुछ बूंदों का बोझ बर्दाश्त ना करने की वजह से अपने सफ़र के आगाज़ में ही फट गई थी और आसमान से बरसती हसीन बारिश से खाइफ दिखाई दे रही थी। नशेमन की कम सिन लड़कियाँ उन कश्तियों को अपने मासूम हाथों से बनाकर बारिश के पानी के रहम करम पर छोड़ कर बहुत खुश हो रही थीं, मगर अमल को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। उसके ख्वाबों की कश्तियाँ तो कई साल पहले कहीं डूब चुकी थीं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? खनकती आवाज़ों में उसे एक संजीदा सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो उसका चेहरा खुद बखुद आवाज़ की जानिब पलट गया। सामने खड़ा शख्स सियाह पैंट पर सफ़ेद रंग की शर्ट पहने आस्तीन कोहनियों तक मोड़े आंखों में इजाज़त की उम्मीद लिए उसे ही देख रहा था। अमल ने लम्हा भर उसे देखा और पलकों की लर्जिश छुपाती उन कश्तियों की जानिब मतवज्जा हो गई जो सहन के बीच हिचकोले खा रही थी। वो उन मौजों से लड़ रही थीं जो उन्हें डिबो देने के करीब थीं। वो कुछ सानिये यूं ही खड़ा उसे देखता रहा और फिर एक गहरा सांस लेके उससे कुछ ही फासले पे बैठ गया। आप तो बात का जवाब देना भी गवारा नहीं करती, उसे शिकवा करते वो खुद ही मुस्कुरा दिया था। यूनिवर्सिटी में भी आप ऐसी ही थीं, मैंने देखा था आपको कई बार सबसे ला ताल्लुक होकर बैठे हुए, मगर वल्लाह आपके माथे पर पड़ते गुस्से भरे बल हमेशा आपसे बात करने की हौसला शिकनी करते थे और मैं आपसे बात किए बिना ही वापस चला जाता। वो शायद बहुत बोलने का आदी था। अमल आज उसकी हौसला शिकनी करके उसे खामोश न करवा सकी कि उसका तो अपना ही हौसला टूट चुका था। आप बारिश की हमेशा से इतनी ही दीवानी थी या ये इनकशाफ भी आज ही मुझ पर हो रहा है? वो उसे मुसलसल गिरती बारिश को देखते हुए बात बारिश की तरफ ले आया। अमल उसे नहीं सुन रही थी, उसने अपने कान हमेशा के लिए बंद कर लिए थे ताकि अंदर और बाहर का शोर उसे मज़ीद किसी अजियत में मुबतला ना करे। आपकी एक दोस्त भी होती थी, क्या नाम था भला उसका? वो जहन पे जोर डालकर अमल की दोस्त का नाम याद करने लगा। हाँ याद आया, मलीहा, आखिरी बार मुझे 10-11 साल पहले मिली थी एक रेस्टोरेंट में, अपने शौहर के साथ आई थी वहाँ, बहुत कुछ दिखाई दे रही थी। आपसे तो मिलती ही रहती होगी, उसने आखिर में खुद से ही अंदाज़ा लगाया था। उसकी चमकती जहीन आँखें अमल को अपने हसार में लिए हुई थीं और वो एक लम्हे के लिए भी अपनी नज़रों को अमल के चेहरे से हटा नहीं पाया था। स्याह रंग का लिबास पहने मातम की जिंदा तस्वीर नज़र आ रही थी। स्याह रंग के दुपट्टे तले उसके गहरे स्याह बाल अब सफ़ेद रंग में ढल गए थे, मगर उसे वो आज भी पहले जैसी दिखाई दे रही थी। नशेमन की औरतें अपने अपने कामों में मशगूल कन अखियों से उन दोनों को देख रही थीं। वो अमल के रवैये की आदी हो चुकी थी, मगर उसके साथ बैठे उस शख्स का ये रूप उनके लिए बिल्कुल नया था। वो वहाँ आता तो यूं किसी के पास बैठकर उससे बात नहीं करता था। यूनिवर्सिटी के बाद कौन कहाँ गया किसी को नहीं मालूम, लेकिन आप मुझे इतने सालों बाद मिल गई, क्या ये एक हसीन इत्तफाक नहीं? वो अपनी हर बात के इख्तिताम पर उससे सवाल कर रहा था ताकि वो किसी तरह उसकी गुफ्तगू में शामिल हो सके या फिर मुड़कर एक नज़र फिर से उसे देख सके, लेकिन ना उसने बात की और ना ही मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो उठकर बरामदे के सतून के पास चली आई। बारिश का जोर टूट चुका था, अब इक्का दुक्का ही बूंदें गिर रही थीं। दूर आसमान पर गुले मिले से बादल हवा के आगे बेबस पड़ते जनूब की जानिब तैरते चले जा रहे थे।
नशेमन के आंगन में बहती कश्तियाँ वहीं डूब कर बेमायनी हो गई थीं। वो भी छोटे छोटे कदम उठाता उसके अकब में खड़ा हो गया। काश मैं भी इस मंजर का कोई अधूरा हिस्सा होता जिसे आपकी एक नज़र मुकम्मल कर देती और मैं यूँ उस नज़र से महरूम अधूरा सा होकर वापस ना पलटता। वह उसके अकब में खड़ा कुछ पल उस लातालुक हुए वजूद को देखता रहा जिसमें हरकत के नाम पर ज़रा सी भी जुम्बिश नहीं हुई थी और फिर कदम पीछे हटाता वहाँ से चला गया, जबकि अमल उस आवाज़ के हसार में खड़ी कई घंटे अनदेखे आंसुओं की बारिश में भीगती रही कि किसी को रोक लेने से कोई ताउम्र नहीं रुकता। हिजर 13 जे पानी मंगे मैं खो नैना दे गेड़ा, दिल चांदा है तैनू सामने बिठा के दर्द पुराने छेड़ा, यार जिना दे बिछड़ जावन ओ क्यों रोवन थोड़ा, हर शह नालों सालिम यारो जिसदा नाम बिछोड़ा। बहार की ये दिल अवेज़ शाम जिसकी तरफ कदम उठाए हैं मैंने कि उससे हाथ मिलाऊं और एक शगुफ्ता शनासाई की बना रखूं, फिर अपनी खानाबदोशी की लय पर उसे गुलाब बकफे खैमा जुनू तक लाऊं, कुछ उसकी हर खबर पूछूं और कुछ अपनी कहूं, कहूं कि कितने ही पतझड़ के मौसम आए गए मगर इन आँखों की सहरा बानियां ना गईं, कहूं कि गरचे अनासिर ने हिम्मतें बांधी जुनू जदों की मगर सख्त जानियां न गईं, कहूं कि एक हैं अंदेशे सब मेरे तेरे, कहूं अलग नहीं जीने के ढब मेरे तेरे, कहूं कि एक से हैं रोज़ व शब मेरे तेरे, कहूं कि मिलते हैं नामो नसब मेरे तेरे। वो बहार की एक खुशगवार खुशबू भरी शाम से पहले का वक्त था जब नशेमन की इमारत को फूलों और रोशनियों से सजाया गया था। नशेमन के वसी आंगन में बहार के इस्तकबाल के लिए एक छोटी सी तकरीब का इंतज़ाम किया गया था ताकि ज़िंदगी से दूर ये बेसहारा औरतें ज़िंदगी को करीब से महसूस कर सकें। यहाँ हर खासो आम दिन बड़े अहतमाम के साथ मनाया जाता था जिसके लिए कुछ दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी जाती। यहाँ की इंतज़ामिया ख़वातीन में मौके की मुनासबत से कपड़े चूड़ियाँ और दीगर चीज़ें दो दिन पहले ही तकसीम कर देती थी। अमल समेत उसके साथ बाजियाब करवाई गई औरतों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जा रही थी। हर गुजरते दिन के साथ उसका निखरता रूप इस बात की चुगली खाता था कि अंदर कहीं वो भी बाकी सब की तरह जीने की थोड़ी बहुत ख्वाहिश रखती थी या फिर अब ये ख्वाहिश उसके दिल में पैदा होने लगी थी, मगर एक अनजाना सा खौफ हर वक्त उसे अपनी लपेट में रखता था। वो नहीं जानती थी कि यह खौफ किस बात का था, उस माजी का जो वो सुलाखों के पीछे गुजार आई थी या फिर उस मुस्तकबिल का जो अभी आया ही नहीं था। नहीं, ये खौफ तो शायद हाल का था कि जिसमें वो अब कुछ भी नहीं खोना चाहती थी, कुछ भी नहीं। वो अभी भी खौफ के साए तले सहमी खड़ी स्टेज के सामने थी जिसे सफ़ेद गुलाबों से सजाया गया था और उन सफ़ेद गुलाबों में कहीं कहीं जामनी रंग के फूल बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। स्टेज के सामने कुर्सियां बिछाई जा रही थीं, बहुत सी लड़कियां एक दूसरे को गजरे पहनाते हुए कहकहे लगा रही थीं, कुछ खवातीन के बच्चे शरारतें करते इधर उधर भाग रहे थे और वो उनसे बेखबर बैठे हुए आपस में खुशगप्पियों में मसरूफ थी। इस तकरीब के लिए खाने का इंतज़ाम नशेमन के अकबी हिस्से में किया जा रहा था। वो कुछ देर खाली नज़रों से वहाँ होती उन तैयारियों को देखती रही और फिर जब उकताहट का शिकार हो गई तो दालान से लॉन की तरफ उतरते स्टेप्स पर जा बैठी। पास से गुजरती एक केयर टेकर ने दो गजरे उसकी गोद में रखकर उन्हें पहनने का कहा। वह कुछ देर पहले ऐसे ही गजरे सब में बांट रही थी जिन्हें हर लड़की ने बहुत शौक से पहना था। वह गोद में पड़े उन गजरों को नरमी से छूकर अजीब नज़रों से देखने लगी। उसने तो ऐसे फूलों की उम्मीद कई साल पहले छोड़ दी थी और आज ये यूँ उसकी गोद में पड़े थे कि वो उन्हें उठा ले और अपनी कमज़ोर कलाइयों में पहन ले। उन फूलों का नर्म सा लम्स उसके अंदर किसी मरे एहसास को जगाने लगा था, एक ऐसे एहसास को जिसे वो कोई नाम नहीं दे सकी थी। अपने अंदर अजीब सी बेचैनी को महसूस करके सफ़ेद कलियों और सुर्ख गुलाबों से बने उन गजरों को उठाकर कहीं दूर फेंक देना चाहती थी कि तभी उसकी वहाँ आमद हुई थी। सफ़ेद शलवार कमीज पर गहरे जामनी रंग की ब्रांडेड बास्केट पहने, बालों को सलीके से बनाए, चेहरे पर दिलकश सी मुस्कुराहट सजाए, वो उससे एक स्टेप नीचे बैठ गया। वो उन सालों में बहुत बदल गया था। उसके चेहरे के नकूश अब संजीदा से नज़र आते थे मगर अपनी बात को मुस्कुराहट में लपेट कर कहने का फन
वो बखूबी जानता था। दाएं हाथ की हथेली गाल पर रख कर गर्दन का जाविया ज़रा सा उसकी जानिब मोड़ कर वह उसे देखने लगा, जो खुद इस वक्त सफ़ेद रंग की शलवार कमीज के साथ गहरे जामनी रंग का दुपट्टा सर पे अच्छे तरीके से ओढ़े हुए थी। अगर ये इत्तफाक था तो बहुत हसीन इत्तफाक था, और अगर ये उसकी शरारत थी तो बहुत खूबसूरत थी। उसके यूँ देखने पर अमल ने अपनी घबराहट छुपाने के लिए रुख दूसरी जानिब मोड़ दिया, जहाँ कुछ बच्चे शरारत से फूलों की पत्तियाँ एक दूसरे पर फेंक रहे थे। वो उसे कुछ सानिये यूं ही देखता रहा और फिर उसकी गोद में रखे गजरों की जानिब मतवज्जा हो गया। आप इन्हें पहन क्यों नहीं रही? अच्छे नहीं लगते? उसके लहजे की नरमी में कुछ ऐसा ज़रूर था कि अमल ने पल भर के लिए उसकी जानिब देखा था, मगर कोई भी जवाब देने से कासिर रही थी। ऐसे तो ये फूल नाराज़ हो जाएंगे। वो हाथों में पकड़े उन गजरों को मसल देने के करीब थी, मगर उसने अमल के इस इरादे को कामयाब होने से बचा लिया था। वो उसके हाथों से गजरे ले चुका था। लाएं, ये मैं पहना देता हूँ। अमल ने झिझकते हुए दोनों हाथों की मुट्ठियाँ भींच ली थीं। हाथ आगे करें, अब की बार वो तहक्कुमाना अंदाज में कह रहा था। अमल ने अपना हाथ बेसाख्ता उसकी जानिब बढ़ा दिया। गुड गर्ल, वो मुस्कुराकर उसके हाथ में गजरे का हुक बांधने लगा। अमल की नज़रें उसके हाथ से फिसल कर उसके चेहरे पर जा ठहरी थीं, जहाँ फैली वो दिलकश सी मुस्कुराहट अमल को अपनायत भरी लगी थी। बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, सो रहवान तमन्ना भी डर के देखते हैं। वो उसे यूं गजरे पहना रहा था जैसे उसने उस लम्हे के लिए सदियों इंतज़ार किया था। आज वो इंतज़ार पूरा हो गया हो जैसे, और सारी महरूमियां उस एक लम्हे में ख़त्म हो गई थी। वो उसके दूसरे हाथ में गजरा पहना कर हुक बंद कर चुका था। इस अमल के बाद उसने अमल के दोनों हाथ नरमी से वापस उसकी गोद में रख दिए थे। सुना है रब्त है उसको ख़राब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। अमल ने बेयकीनी किसी कैफियत में अपने हाथों में सजे उन गजरों को देखा था, जिनसे पहली नज़र में उसे वहशत सी हुई थी, मगर अब वही गजरे उल्फत के धागे मालूम हो रहे थे जिनसे वो उसका दिल बांध चुका था। उसकी सियाह गहरी आंखें कभी अमल के चेहरे पर जा ठहरतीं और कभी उसकी कलाइयों में बंधे गजरों पर। अमल ने उन सियाह आंखों में लम्हा भर के लिए झांका था और फिर उन्हें मज़ीद नहीं देख पाई थी। सुना है उसकी सैद चश्मगी कयादत है, सो उसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं। जादू उन गजरों में था या फिर उन्हें पहनाने वाले के हाथों में, वो अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी। अरे यार, तुम यहाँ हो? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। मेयर साहब बस आने ही वाले हैं, उस ट्रस्ट का चेयरमैन जिसे जकी वहाँ आ निकला था और अब अमल को नज़रअंदाज किए खुफकी भरे लहजे में उसे डांट रहा था। वो अपनी जगह से सरत से उठ खड़ा हुआ। हाँ, मैं बस आ ही रहा था। हाँ, जल्दी पहुँच जाना। जकी मोबाइल पर किसी को फ़ोन मिलाता वहाँ से चला गया। वो दो स्टेप उतर कर नीचे चला आया और वहाँ जाने से पहले उसने मुड़ कर एक नज़र अमल को देखा था, जो अब गजरों समेत सब कुछ भूलकर सिर्फ उसकी जानी भी देख रही थी। कहानियाँ ही सही, सब मुबालगे ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। वो उसे यूं अपनी जानी मतवज्जा देखकर मुस्कुराया और फिर वहाँ से चला गया। नशेमन की फिज़ा अब उसके बगैर बोझल सी लगने लगी थी। सांस लेने में दिक्कत पेश आती तो वो उसके इंतज़ार में बाहर चली आती। बरामदे के सतून के साथ खड़ी कई कई घंटे उसके आने का इंतज़ार करती। देखने वालों को लगता कि जैसे वो इंतज़ार की सूली पर लटक कर पथरा सी गई है, एक बेजान मूरत जो अब कभी पलके नहीं झपकेगी। सब जानते थे कि वो किसका इंतज़ार करती थी, मगर सब नहीं जानते थे कि वो ये इंतज़ार क्यों करती थी। वो आज भी उसके आने का इंतज़ार कर रही थी और इंतज़ार का ये सिलसिला पिछले 3 हफ्तों से चल रहा था। न जाने वो क्यों नहीं आ रहा था। जाती बहार की शाम अफसुदा सी महसूस हो रही थी। जे एथों कदीरा भी लंग जावे, दूर चबूतरे पर चंद औरतें बैठे हुए सुर और ताल का खेल खेल रही थीं। किसी औरत की दर्द भरी आवाज़ उसकी उदासी को मज़ीद गहरा कर रही थी। उसने जान लिया था कि बांसुरी के छलनी हुए वजूद से दर्द भरी लय कैसे निकलती है। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं,
जे संग बेली यार कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। दर्द भरी उस लय ने पथराई हुई मूरत की आंखों में आंसू भर दिए थे और वो हिचकियां लेती रो दी थी। अखां ची दरिया कोल के मैं जख्मा दी थां ते रोड लां जे एथों कदी रावी लंघ जावे। गुजरे 14 सालों के अनगिनत शबरोज़ उसकी आंखों के सामने फिर से मंडलाने लगे थे और उसके लिए सबसे तकलीफ दे लम्हे वो थे जिनके बाद उसे लगा था कि वो मर जाएगी। एक वो लम्हा जिसमें उसने अपने ही हाथों से जायदाद की मोहब्बत का गला घोंट दिया था। उसे लगा था कि वो दोबारा सांस नहीं ले पाएगी, वहीं दम तोड़ देगी, वहीं कहीं स्कूल ऑफ एविएशन की किसी सीढ़ी पर। और एक वो लम्हा जब उसके अब्बा जी उसे उसके भाइयों के रहमो करम पर छोड़ कर कहीं दूर चले गए थे, इतनी दूर कि वहाँ से वापसी नामुमकिन थी। वो बेहोश होकर गिर गई थी, उसे लगा था कि वो मर गई थी, मगर वो तो ज़िंदा थी, उसे तो अभी और भी बहुत कुछ। एक ऐसी सज़ा जो ऐसे जुर्म में मिली थी जो उससे सरजद भी नहीं हुआ था। 13 साल और उन 13 साल के कई लम्हे, इतने लम्हे कि वो गिनने बैठती तो शायद ख़त्म ही ना होते। जितने लम्हे उतनी ही अजियतें, तो चाहे फिर वो लम्हे शुमार कर ले या फिर उन अजियतों को गिन ले जिन्हें झेलने के बाद उसने हमेशा अपने मरने की दुआ की थी। वो कोठरी जिसमें उसके हाथों और पैरों के नाखून इस कदर बढ़ गए थे कि अमल को खुद ही उनसे घिन आने लगी थी, वो अब भी उसे किसी डरावने ख्वाब का हिस्सा लगती थी। वो जो कभी खुद पर ज़रा सी मिट्टी नहीं लगने देती थी और वहाँ मिट्टी में मिट्टी हो गई थी। एक कैसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई ते बेलियाँ दे नाल वगदी ऐ चंद कदों पूरी हो गई, पता नहीं ऐ जिंद कदों पूरी हो गई। उसने अपनी ज़िंदगी को गुजारा नहीं था बल्कि ज़िंदगी उसे गुजार कर पूरी होती जा रही थी। वो जो आसमानों पे उड़ना चाहती थी उड़ने से पहले ही कफ्स में डाल दी गई थी। वो पायलट बनना चाहती थी, हवाओं में लंबी परवाजें बढ़ना चाहती थी, मगर वो वहाँ बैठी थी जहाँ आने का उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक ट्रस्ट में जो सिर्फ लावारिस खवातीन के लिए था। जिस दिन उसके अब्बा जी का इंतकाल हो गया था उस दिन वो भी लावारिस हो गई थी। उसे याद था कि जब कभी वो बादशाहों की कहानियाँ पढ़ती थी तो अक्सर सोच कर रह जाती कि तख्त के लिए कोई बाप अपने बेटे को कैसे कतल कर सकता है, कोई बेटा इतना सख्त दिल कैसे हो सकता है कि सोते में अपने बाप का सर उसके तन से जुदा कर दे, वो भी सिर्फ सल्तनत के एक तख्त के लिए। आखिर नौशेरवान का पोता अपने बाप का कत्ल सालसाई तख्त के हसूल के लिए इतनी बेरहमी से कैसे कर सकता है, और वो भी जब उसने एक खबर सुनी थी जिसमें जायदाद की खातिर भाइयों ने अपनी बहन को 20 साल एक कमरे में बंद रखा जहां उसे टीवी चैनल वालों ने पुलिस के साथ मिलकर बाजियाब करवाया। वो 25 साल की उम्र में कैद की गई और 45 साल की उम्र में आज़ाद करवाई गई। उसकी वीडियो देखकर अमल रोही तो पड़ी थी और सोच रही थी कि भाई इतने संगदिल नहीं हो सकते कि अपनी बहन को ऐसे कमरे में एक छोटी सी जायदाद हासिल करने के लिए डाल दें जहाँ रोशनी भी नहीं जाती थी, जहाँ वो किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, जहाँ वो खाना उसके सामने फेंक आते थे ये जाने बगैर कि वो ज़िंदा भी थी या मर गई। उसे जब निकाला गया तो वो पागल हो गई थी। अमल नहीं जानती थी कि कुदरत उसके सवालों का जवाब उसे यूं अमली तौर पर देगी। उसके भाइयों ने बता दिया था कि तख्त व ताज के आगे हर रिश्ता बेगाना हो जाता है। दर्द भरी आवाज़ मध्यम होती होती ग़ुरूब होते सूरज की तरह कहीं डूब गई थी। दिन के उजाले को रात का अंधेरा निगलने के लिए ज़मीन पर अपना पड़ाव डाल चुका था, बिल्कुल वैसा ही अंधेरा जो कोठरी के बंद कमरे में हर वक्त रहता था अमल को निगलने की ताक में। अब की बार जब वो आया तो अमल उसे टीवी लाउंज में बैठी मिली थी। टीवी लाउंज में इस वक्त 19-20 साल 4 लड़कियां दीवार में नस्ब LCD पर अपना पसंदीदा ड्रामा बड़े इन्हमाक से देख रही थी और अमल उन सब से अलग एक कोने में बैठी किसी मैगज़ीन का मुतालिया कर रही थी। आप कोई एक्टिविटी नहीं करती? वो एक छोटा सा स्टूल खींच कर उसके बिल्कुल सामने बैठ गया। अमल ने तवक्को के ऐन मुताबिक सर उठाकर उसे देखा था और पीछे की जानिब सिरक गए दुपट्टे को दोबारा से सर पर टिकाया था। वो अपने मखसूस हुलिये में हमेशा की तरह हशाश पशाश नज़र आ रहा था।
या फिर वो उसे देखकर ऐसा हो जाता था। अमल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी तवज्जो दोबारा मैगज़ीन की जानिब मबजूल कर ली। ये देखिए मैं आज आपके लिए क्या लाया हूँ, उसने अपने हाथ में एल्बम की तरफ इशारा किया जिसकी स्याह जल्द अब फीकी पड़ चुकी थी मगर उस पर लिखे गए अल्फाज डीप पर्ल्स गोल्डन कलर में वाजिया दिखाई दे रहे थे। एक एल्बम जिसमें नज़र आने वाले चेहरे कहीं खो गए हैं, ये कहकर वो मुस्कुराते हुए एल्बम खोलने लगा। अमल बेसाख्ता उसकी जानिब मतवज्जा हुई थी और अब एल्बम के खुले पन्ने देख रही थी जिनमें कई ऐसे चेहरे थे जिन्हें वो यूनिवर्सिटी के 3 सालों में देख चुकी थी और कुछ ऐसे थे जो उसके बिल्कुल उसके लिए अजनबी थे। ये मलीहा है आपकी सबसे अच्छी दोस्त, बल्कि आपकी इकलौती दोस्त, यूनिवर्सिटी में आपको जब भी देखा इसके साथ ही देखा, खुशकिस्मत थी वो। खैर, वो दुनिया भर की मिठास अपने लहजे में लिए उसे एल्बम में मौजूद हर शख्स के बारे में बता रहा था। अमल ने मलीहा के चेहरे को देखा था और यूनिवर्सिटी के 3 सालों में हर लम्हा जो वो उसके साथ गुजार चुकी थी अब याद आने लगा था। वो उसकी दोस्त थी मगर उसे याद था कि जब वो हॉस्टल के कॉरिडोर से घर के लिए निकली थी तो मलीहा उसे नज़रअंदाज करके अपने कमरे की जानी पड़ गई थी। उसने उसके बाद एक बार भी अमल को फ़ोन नहीं किया था, ये पूछने के लिए भी नहीं कि उस पर उन दिनों कौन सी कयामत टूट पड़ी थी, बल्कि कौन कौन सी कयामतें टूट पड़ी थी। वो उसकी दोस्त थी, ऐसा उसका ख्याल था, वो उसकी दोस्त नहीं थी, ये उसे यकीन हो गया था। मलीहा से जुड़ी अच्छी बुरी यादें उसके चेहरे पर दर्द भरे तासुरात ले आई थीं जो सामने बैठे शख्स से बिल्कुल भी मख्फी नहीं थे। और भला ये कौन है, उसने एल्बम ज़रा सी सिरका कर उसके सामने की तो वह यक टुक सी उस तस्वीर को देखने लगी। तस्वीर में एक लड़की मलीहा के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल वही यूनिफॉर्म पहने जो एल्बम में नज़र आने वाले बेशतर लोगों ने पहन रखा था, स्कूल ऑफ एविएशन यूनिफॉर्म जिसे वो बहुत फ़खर से पहना करती थी, जिसे पहनकर उसने खुद को ख्वाबों में उठते देखा था और जिसे पहनकर वो किसी के साथ हकीकत में उड़ना चाहती थी। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी, कम अज़ कम उसे तो पहली नज़र में ऐसी ही लगी थी। अमल ने उसके मासूमियत से भरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसे पहचानने की कोशिश की, शायद वो उसे पहचान भी गई थी मगर अगले ही लम्हे उसने अपने ख्याल की नफ़ी की थी। ये अमल है यानी आप, वो उसके चेहरे के बदलते तासुरात को बगौर देखते हुए बोला। एक होक सी अमल को अपने अंदर से उठती महसूस हुई थी, वो क्या थी और अब क्या हो गई थी, काश माजी मिट जाता और जो होता वो सिर्फ हाल रहता। उसने एल्बम का सफ़ा बदल दिया था और ये दीवाना शख्स इस कहानी का रोमियो है जिसकी जूलियट 14 बरस पहले उससे बिछड़ गई थी। वो मुस्कुराया तो आँख से एक आंसू टूट कर गिर पड़ा। जहाँ दात यानी मैं, अमल को अपना जिस्म लरस्ता महसूस हुआ था। अजनबियत की जो दीवार उसने अपने गिर्द बनाई थी वो उस तारुफ के बाद टूट गई थी। उसका हाल और माजी फिर से एक हो गए थे, यूं जैसे ये 14 बरस की नहीं बल्कि 14 सेकंड्स की बात हो और यूं के जैसे वो कभी बिछड़े ही ना हों, आज भी वहीं बैठे हों डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पे, एक दूसरे से उलझते हुए हंसते हुए और अगले ही लम्हे उदास होते हुए। वो 14 साल की मुसाफत के उस पार खड़ी थी जहां दाद तक की रसाई नामुमकिन थी, मगर उस तारुफ ने लम्हों में हर मुसाफत को तय कर दिया था। वह उसे पहले दिन ही पहचान गई थी, बल्कि उसकी आवाज़ तो वो कभी भूल ही नहीं पाई थी, मगर उसने अपनी आंखों में दर आई शनासाई की चमक को बेगानगी से छुपा लिया था। वह नहीं चाहती थी कि जहां दाद उसे इस हाल में पहचाने कि जिसमें वो खुद को भी पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन मोहब्बत में किसी को पहचानने के लिए हाल हुलिए मायने ही कब रखते हैं। जहां दाद ने भी उसे पहचान लिया था और यूँ 14 साल बाद रोमियो को उसकी जोलेट फिर से मिल गई थी, मगर मिलन मुमकिन होगा या नहीं ये कौन जाने। वो उसके सामने बैठी सूं सूं करती रो रही थी और वो पिछले 15 मिनट से उसे बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोते देख रहा था। हाँ क्या हो गया है तुम्हें लड़की, वो उसके यूं रोने से परेशान हो रहा था। लड़की नहीं रही अब मैं, वो उसे टोकने के बाद फिर से ऊँची आवाज़ में रोने लगी। क्यों अब तुम्हारे सर पर सींग निकल आए हैं, वह नहायत संजीदगी से पूछ रहा था। वो तो मुझे आपके सर पे नज़र आ रहे हैं, अमल के मुंह से ये अल्फाज बेसाख्ता निकले थे। जहां दाद ने खुफकी से उसे देखा तो वो झीप सी गई।
शुक्र है तुम्हारी आवाज़ तो सुनी। 14 साल से मेरी समातें ये फाके काट रही थी, अब यूँ लगता है कि समातों के साथ साथ इन आँखों को भी उनका रिस्क मिल गया है और ये फिर से जी उठी हैं। उसकी स्याह चमकती आँखें अमल के चेहरे पर जमी अपनी ही बात कहे जा रही थी। मलीहा को क्यों नहीं लाते आप अपने साथ? वो उन निगाहों की हिद्दत से मज़ीद पिघलना नहीं चाहती थी, इसीलिए गुफ्तगू का मौजू बदलने लगी। कहाँ से लाऊं उसे मैं अपने साथ? वो उठकर खिड़की के पास चला आया जो नशे मन के अकबी हिस्से की जानिब खुलती थी, जहाँ लगे पौधों पर खिले फूल मौसम बहार से लुत्फ उठा रहे थे। अपने घर से भई वो रोना भूल कर जहाँ दाद की कम अकली पर अफसोस करने लगी। मेरे घर में नहीं है वो। क्यों? अरे बताया तो था उस दिन, या वो बात भी तुमने मजाक में ले ली थी? कौन सी बात? वही के 12 साल पहले उसने किसी और के साथ शादी कर ली थी और वो मुझे अपने शौहर के साथ किसी रेस्टोरेंट में मिली थी। तुम्हें पता है अमल, वो बस मुझे तुमसे छीनना चाहती थी। मैं उसके लिए एक ऐसी ज़िद था जिसमें हारना उसे किसी सूरत भी मंजूर नहीं था। तुमसे छीन लेने के बाद उसकी ज़िद ख़त्म हो गई थी और यूँ वो रिश्ता भी ख़त्म हो गया था। वो तुम्हारी कभी दोस्त नहीं रही थी अमल। वो खिड़की के सामने मंडलाती तितलियों को बहुत अफसरदगी के साथ देख रहा था। ऐसी ही अफसरदगी अमल की आंखों में भी थी, बल्कि अफसरदगी से ज़्यादा शर्मिंदगी थी कि उसने किस दावे के साथ जहादाद को कहा था कि मलीहा उससे बहुत मोहब्बत करती है और वो उसे छोड़कर मलीहा से शादी कर ले। फिर वो अपनी शर्मिंदगी पर जल्द से जल्द काबू पाना चाहती थी। फिर वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। और उसके बाद? उसके बाद ये तो राइटर ने मुझे भी नहीं बताया। जहादाद ने पलट कर उसकी तरफ शरारत से देखा तो वो अपने गुस्से पर जब्त करती उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे के बिगड़े तासुरात देख कर वो धीरे से मुस्कुरा दिया था। उसका रूठना और मानना जहादाद के लिए उससे बढ़कर कुछ भी खूबसूरत नहीं था। और आपके बीवी बच्चे? अमल को अचानक ख्याल आया था। हाँ हाँ पूछ लो, सबके बारे में पूछ लो, बस मेरे बारे में ना कुछ पूछना कि मैं कहाँ था, कैसा था और अब कैसा हूँ। भला पूछोगी भी क्यों? तुम्हें ना कभी फ़र्क पड़ा था और ना ही अब पड़ेगा। वो यूँ बोल रहा था जैसे कोई बच्चा रूठ रहा हो। अमल यकटुक उसे ही देख रही थी। वो रुख मोड़ कर दोबारा उन तितलियों की जानिब मतवज्जा हो गया जो कहीं से उड़ती चली आती थीं और अगले ही लम्हे कहीं गायब हो जाती थीं। इसमें इतना खफा होने की क्या बात है? आप ही के बीवी बच्चों के बारे में पूछ रही हूँ। वो मैगजीन वहीं रख कर अपनी जगह से उठ गई और अब उससे ही कुछ फासले पर खड़ी थी। अच्छा, मगर पूछ किस बीवी के बारे में रही हो, पहली दूसरी या तीसरी के बारे में? वो खिड़की के पट से बाजू टिका कर खड़ा उसकी तरफ रुख मोड़े नहायत संजीदगी से पूछने लगा। अल्लाह, कितनी शादियां की हैं आपने? वो मुंह खोले अपनी हैरत का इजहार किए बिना न रह सकी। गिन लेने दो। वो उंगलियों के पोरों पर कोई हिसाब किताब करने लगा। अमल चेहरे पर जालसी और हैरत के तासुरात लिए उसे यूं करते खफा नज़रों से देख रही थी। 2 साल पहले वाली मिलाकर कुल 3 वो अपनी बीवियों की तादाद गिन चुका था, मगर फिक्र न करो, चौथी की गुंजाइश है अभी। अभी चौथी का भी इरादा है? अमल ने एक एक लफ्ज़ चबा कर पूछा था। बिल्कुल, खुदा मुझे वो वक्त जल्दी खाए। वो उसे जालस करने के फुल मूड में था, इसलिए अमल की इस कैफियत से हिज उठा रहा था। बल्कि मैंने तो चौथी ढूंढ भी ली है। उसकी सियाह आँखें शरारत से चमक रही थीं। पूछोगी नहीं कि कौन है वो? मुझे क्या ज़रूरत है पूछने की? वो कंधे उचकाती वहाँ से हट गई। पूछ लो वरना रात को तुम्हें नींद नहीं आएगी। वो भी कदम उठाता उसके पीछे चलने लगा। मुझे अब वैसे भी नींद नहीं आती। वो टीवी लाउंज से बाहर निकल आई थी और अब बहुत तेज़ चल रही थी, मगर क्या पता इस सवाल के बाद तुम्हें आ जाए नींद। वो उससे कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा था। मैं अब रातों को सोने से डरती हूँ जहादाद। वो रुकी थी और रुक कर उसकी जानिब पलटी थी। उसके यूँ रुकने से वो भी रुक गया था। मुझे मेरा माजी ख्वाबों का रूप धार कर डराता है। उसकी आंखों से आंसू टूट के उसके गालों पे फिसल रहे थे। जहादाद की आंखों में बेबसी ही बेबसी थी। काश वो उसके ये सारे आंसू चुन सकता। मैं अब कभी सोना नहीं चाहती, कभी भी नहीं। वह सरनफी में बार बार हिलाती वहाँ से चली गई। जहादाद ने उसके पीछे जाना चाहा, मगर न जाने क्या सोच कर वहीं से वापस पलट गया। वो उसे बोल कर आया था कि वो सारी रात सो नहीं पाएगी, मगर वह खुद अभी तक सो नहीं पाया था। घड़ी रात के 2 बजा रही थी और नींद थी कि आंखों से कोसों दूर थी। वह जब भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता
तो अमल की वो आंखें सामने आ जाती जिनमें बेबसी और खौफ के सिवा कुछ भी नहीं था। उसे याद था कि जब अमल कई दिन यूनिवर्सिटी नहीं आई थी तो वो उसके घर पहुंच गया था, जहां से उसके भाइयों ने उसे डरा धमका कर वहां से जाने का कह दिया था। उसे यह भी याद था कि जब वह दूसरी बार उसकी खैरियत दरियाफ्त करने गया तो उसे वहाँ अमल के मरने की खबर दे दी गई थी, जिसे सुनकर वो कई माह गहरे सदमे में रहा था। अमल की मौत की खबर पर यकीन करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। बेशक वो उस कब्र पर फातह भी पढ़ने गया था जिस पर अमल के नाम का कुतबा लगा था, मगर फिर भी उसका दिल गवाही देता था कि उस मिट्टी के ढेर के नीचे उसकी अमल नहीं थी। वो अपने बेड से उठकर बालकनी में चला आया, जहाँ शहर लाहौर सुकून की चादर ओढ़े खामोश सा नज़र आ रहा था। दूर कहीं चांद बादलों के साथ आँख मछोली में मसरूफ़ था, जहाँ दांत ने एक गहरा सांस अफसुर्दा सी फिज़ा में खारिज किया और उस दिन को याद करने लगा जब वह उसे नशेमन के लॉन में गुमसुम सी बैठी दिखाई दी थी। नशेमन ट्रस्ट की बुनियाद जहाँ दांत ने ही अपने दोस्त जकी के साथ मिलकर रखी थी, जिसे बनाने का मकसद लावारिस खवातीन को छत समेत ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें फराहम करना था। जहाँ दांत चूँकि ज़्यादातर अपनी जॉब पर होता था, इसीलिए महीने में सिर्फ एक या दो बार ही नशेमन का चक्कर लगा पाता था। उस दिन भी वो तकरीबन 15-20 दिन बाद नशेमन आया था, जब लॉन से गुजरते हुए उसकी नज़र अमल पर पड़ी थी। पहले पहल ये उसे अपना वहम लगा था और वह उसके करीब से गुजरकर जकी के ऑफिस की जानिब बढ़ गया, लेकिन वह खुद को वहाँ काफ़ी देर रोक नहीं पाया था और वापस उसी जगह पर आ गया, जहाँ वह बैठी तैयारियों में लगे पौधों को खाली खाली नज़रों से देख रही थी। जहाँ दांत ने झुककर उस पैरान से चेहरे से उस चेहरे को ढूंढना चाहा जो उसकी अमल का था, अमल ने उसकी जानिब नहीं देखा था, इसलिए उसकी आमद से बेखबर रही। उसे वो औरत बिल्कुल अमल जैसी लग रही थी, उस अमल जैसी जिसकी कब्र पर वो कई साल पहले फातिहा पढ़कर आया था। तो फिर वो इतने सालों बाद अचानक कैसे ज़िंदा हो सकती थी? वह सरनफी में हिलाता दो कदम पीछे हट गया। उसे उस मुरझाए चेहरे में अमल की ही शबीह मालूम हो रही थी। उसका दिमाग कई दलीलें दे रहा था और उसका दिल हर दलील को रद्द कर रहा था। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि दिल की सुने या फिर दिमाग की। इस बात पर यकीन कर ले कि अमल तो कई साल पहले मर चुकी है, या फिर इस बात पर कि वो अभी भी उसके सामने बैठी है। ओहो, तुम्हें क्या हो गया है जहादाद? ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने हर ख्याल की नफ़ी करके वहाँ जकी के दफ्तर में चला आया। ये कौन सी बेचैनी तुम्हें टिक कर बैठने नहीं दे रही? जकी ने कैलकुलेटर पर कोई हिसाब किताब किया था, जिसे वो अब अपने सामने खुले एक रजिस्टर में दर्ज कर रहा था। यार जकी, वो उसके सामने वाली कुर्सी ज़रा सी आगे करके बैठ गया। हाँ बोलो। जकी ने रकम एक खाने में दर्ज कर दी थी। कोई मरकर दोबारा जिंदा हो सकता है? मेज़ के खुरदरे किनारे को अंगूठे के नाखून से खुरचते हुए वह किसी गहरी सोच में डूबा नज़र आ रहा था। हर इंसान दूसरी बार जिंदा होगा? वह उसके सवाल को मजाक में उड़ा गया था। फजूल मत बोलो, असल बात तो बताओ। जकी ने रजिस्टर बंद कर दिया था और अब पूरी तरह उसकी जानिब मतवजा था। असल बात छोड़ो, ये बताओ कि बाहर वो खातून कहाँ से आई है? कौन सी खातून? लॉन में बैठी है कयारी के पास। जकी फ़ौरन से पहले उठकर ऑफिस से निकल गया था और कुछ ही देर बाद वापस आ गया था। अच्छा, वो औरत? आह, कुछ ना पूछो उसके बारे में। उसकी कहानी सुनकर तो कोई संग दिल भी रो सकता है। बहुत जुल्म हुआ है उस बेचारी पर। जकी कुर्सी पर बैठने से पहले बोला था। क्यों, ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? जहादात का दिल न जाने क्यों बुरी तरह धड़क रहा था। जकी की तस्दीक से पहले वो अपने हर वहम को नज़रअंदाज कर देना चाहता था, मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। ये वही औरत है जिसे बिस्मिल्ला पूर नामी गाँव से बाजियाब करवाया गया था। उसके भाइयों ने जायदाद की खातिर उसे गाँव के करीब ही एक खाली घर में कैद कर दिया था और गांव में उसकी खुदकुशी की खबर फैला दी थी। पुलिस ऑपरेशन के बाद सारी बात मैंने तुम्हें बताई तो थी कि वहां उस खातून समेत कुछ और खवातीन को भी गांव के वडेरों से आज़ाद करवाया गया था। अमल नाम है शायद, और उससे आगे जहां दाद कुछ सुन नहीं पाया था और सरद से अपनी जगह से खड़ा हो गया। बाकी की कहानी वह जकी से पहले ही सुन चुका था, मगर तब वह नहीं जानता था कि जिस खातून के बारे में वो उसे बता रहा था वो अमल ही थी। तब जकी भी उसका नाम नहीं जानता था। गांव में इधर उधर से पता करने पर ही उसे अमल के बारे में थोड़ा बहुत पता चला था। अमल का नाम सुनकर उसे लगा था कि किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। वो अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए दोबारा कुर्सी पर ठहस गया।
क्या हुआ जहादाद, तुम ठीक तो हो? जकीर सरद से उसकी जानिब लपका। जहादाद ने धीरे से हाँ में सर हिलाकर आंखें मूंद ली। वो अमल ही थी जिसकी यादों के सहारे उसने अपनी ज़िंदगी के 14 साल गुजार दिए थे। जहादाद ने रात की तरीकी में कुछ टटोलना चाहा था मगर नाकाम सा वापस अपने कमरे में पलट गया जहाँ उसे नींद हरगिज़ नहीं आने वाली थी। कुछ रोज़ पहले अदालत उसके दोनों भाइयों को उम्र कैद की सज़ा सुना चुकी थी। फैसले से पहले होने वाली पेशी में गवाही के तौर पर नशेमन का वकील चाहता था कि अमल भी जाए मगर उसने खुद को किसी भी गवाह किसी भी विक्टिम के तौर पर पेश करने से इनकार कर दिया था। वह नहीं चाहती थी कि उसका सामना उसके उन भाइयों से हो जिन्होंने उसके साथ इस कदर जुल्म किया था कि आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अमल उनका सामना करके खुद को दोबारा उस अजियत से दोचार नहीं करना चाहती थी जिसे वो कई साल झेल चुकी थी। उसने अपना मामला रब के सपुर्द कर दिया था। बेशक उसके भाइयों को इस दुनिया में सज़ा मिल चुकी थी मगर यह सज़ा बहुत कम थी। उसने कई औरतों को अपने सामने दर्द से कराहते देखा था, अजियत से मरते देखा था। उसके भाइयों को भी इतनी तकलीफ मिलनी चाहिए थी जो उस समेत उन सब औरतों ने झेली थी और दुनियावी अदालत यह हिसाब कभी भी बराबर नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो उन दोनों की सज़ा अपने रब के सपुर्द कर चुकी थी कि बेशक वही बेहतरीन बदला लेने वाला है। अरे आप यहाँ बैठी हैं, बाहर सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। केयरटेकर उसे ढूंढती हुई उसके कमरे में चली आई थी जहाँ वो सर झुकाए किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थी। केयरटेकर सिदरा की आवाज़ पर उसने सर उठा कर देखा तो वो अपना सांस दुरुस्त करती उसी की जानिब देख रही थी यूँ जैसे उसे किसी बात की बहुत जल्दी हो। क्यों, वो ये सवाल पूछे बिना ना रह सकी। बाहर तो चलें, सिदरा ने उससे किताब लेकर साइड टेबल पर रखी और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आई। नशेमन के कॉरिडोर से गुजरते हुए गीतों की मधुर सी आवाज़ उसके कानों से टकराई थी मगर वो उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करती सिदरा की पैरवी में चलती हुई बाहर लॉन तक आ गई जहाँ बिछी कुर्सियों पर नशेमन की खवातीन बैठे हुए उसकी मुंतज़िर नज़र आ रही थी। अमल ने सरसरी सी नज़र उन सब पे डाली थी। वो सब गर्दन पीछे की तरफ मोड़े उसे ही देख रही थी। वो पल भर में हैरान हुई थी और दुपट्टा सर पर ठीक करती कुछ कदम आगे बढ़ आई थी। कुर्सियों के सामने सोफे बिछाए गए थे और वहाँ जहादाद बैठा किसी से कोई बात कर रहा था। उस पर नज़र पड़ते ही अमल को अपने दिल की धड़कन बेतरतीब होती महसूस हुई। वह सर झुकाकर पिछली कतार में बिछी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। वह उससे छुप रही थी और जहादाद ये जान चुका था और ये जान लेने के बाद वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका था। अमल ने वहीं बैठे इर्द गिर्द का जायज़ा लिया था और वहाँ सब कुछ खिलाफ मामूल नज़र आ रहा था। दरख्तों की शाखों से बंधी छोटी छोटी घंटियाँ अपनी मन की कहते हुए शोर मचा रही थीं। छोटे पौधों के गिर्द लिपटे बरकी कमकमें जुगनुओं की मानन जगमग करते माहौल को खूबसूरत बना रहे थे। नशेमन के आंगन में उतरती शाम अपने हसीन होने पर नाजा नज़र आ रही थी। बिलाशुबा वह हसीन शामों में से एक शाम थी जो अपने शहर में जकड़ लेने के लिए काफ़ी थी। इधर क्यों बैठ गई हैं आप, सिदरा ने उसे वहाँ से उठने का कहा था। वह उसके इशारे पर कुछ ना समझते हुए उठ गई थी और अब उससे एक कदम पीछे चलने लगी थी। वह उसे उन सोफ़ों के करीब ले आई थी जहाँ वो बैठा था और अब उसे देख कर वो खड़ा हो गया था। स्याह सूट के साथ सफ़ेद शर्ट पहने वो तलस्मी दुनिया का एक ऐसा बाशिंदा नज़र आ रहा था जिसकी जादुई मुस्कुराहट के आगे शहज़ादी वक्त अपना दिल हार बैठती है। वक्त की ये शहज़ादी अमल थी जो एक बार फिर उसके लिए अपना दिल हार बैठी थी। वो नहीं जानती थी कि वो कितनी देर पलकें जबके बिना उसे देखे गई थी। अगर वो उसे ना पुकारता तो शायद वो उसे देखने में रात से सुबह कर देती। अमल, जादुई जिंदान के उस पार जहादाद की आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो वो होश की दुनिया में चौंक कर लौट आई। ये मेरी अम्मी है और ये आज खास तौर पर तुमसे मिलने आई हैं। उसका इशारा उस नफीस सी खातून की तरफ था जो जहादाद के बराबर में बैठी थी और अब शफीक सी नज़रों से अमल को ही देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम, वो उनके करीब हो गई थी। वालेकुम सलाम, जीती रहो, लुबना बेगम ने अपनी निशिस्त से उठते हुए उसे गले से लगाया था। वो हल्के नीले रंग की साड़ी पहने डाई किए बालों का जूड़ा बनाए अपनी उम्र से बहुत कम दिखाई दे रही थी। इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास, अमल का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे अपने बराबर ही बिठा लिया। अमल ने सवालिया नज़रों से जहादाद की तरफ देखा तो उसने कंधे उचकाते हुए लाइल्मी का इजहार कर दिया।
बाएं सोफे पर बैठा जकी और सामने बैठी सब खवातीन उसे मुस्कुराती नज़रों से देख रही थीं, जैसे वो पहले से ही जानती थीं कि हसीन शाम का ये अहतमाम किस लिए था। अमल उन नज़रों से कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी, इसीलिए दोबारा से सर झुका कर बैठ गई। लुबना बेगम उसका हाथ नरमी से थामे इधर उधर की बातें करने लगी तो जहाँ दाद की बेसब्री उसके चेहरे से नुमाया होने लगी, लॉन में सबकी की एक साथ ही फिजा में उभरी थी। अम्मी, ये सारी बातें तो बाद में भी हो सकती हैं, वो बेसब्री में उनकी तरफ आ गया था। हाँ तो, लुबना बेगम ने अनजान बनते हुए पूछा, तो आप वो बात करें जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। उसने असल मुद्दे की तरफ इशारा किया, वो बात तो तुम करोगे ना बेटा। मैं, मगर मैं क्यों, वो इर्द गिर्द देखते हुए सटपटा सा गया। खी की आवाज़ें एक बार फिर आई थी, क्योंकि हम सब तो लड़की वाले हैं ना। मैं अमल की माँ हूँ, जकी इसका भाई और ये सब इसकी बहनें, इसीलिए जो भी बात है वो तुम खुद करोगे हमसे आकर। वह उसे सब समझा चुकी थी। बात कुछ हद तक अमल की समझ में आने लगी थी। वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसीलिए वहाँ से भागने के बहाने सोचने लगी। जकी, ऐसा कहाँ होता है यार। जकी की तरफ देखकर उसने तकरीबन एहतजाज ही तो किया था, यहाँ तो ऐसा ही होगा। जकी की तरफ से दो टोक जवाब था जिसने उसे सर पीटने पर मजबूर कर दिया। वो पहले ही बहुत हद तक नर्वस था और अब सबके सामने खुद से सारी बात करने का सोचकर वो और भी नर्वस होने लगा था। ये सीन रिवर्स होगा, तुम दोबारा आओगे और आकर हमसे हमारी बहन का हाथ मांगोगे, जकी ने उसे वहाँ से जाने का बोल दिया। वो एक गुस्सीली नज़रों से देखता वहाँ से चला गया ताकि मंजर की शुरुआत वैसे ही कर सके जैसे उसे शुरू होना चाहिए था। मंजर वही था, वही चेहरे, वही नज़रें, वही घंटियों की मदहोश करती आवाज़ें, वही जगमगाते नन्हे जुगनू, वही हसीन शाम, सब कुछ वही था। मगर मंजर का आगाज़ अब की बार एक नए अंदाज से होने जा रहा था। वो आ रहा था, हाथों में सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए और अंदाज में एतमाद लिए, आंखों में मोहब्बत के दीप जलाए। वो कदम कदम चलता वहाँ तक आ गया था जहाँ उसे कई बरसों बाद उसकी मुराद मिलने वाली थी। उसे उम्मीद थी या शायद उसे यकीन था। अस्सलाम वालेकुम, वो कुछ ही फासले पर मुअद्दब सा खड़ा हो गया। वालेकुम सलाम, उसे एक मुश्तरका जवाब मिला था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, वो फिर से नर्वस होने लगा था। लड़की वालों ने इजाज़त दे दी थी, ये सब लॉन में हो रहा था, मगर उनकी अदाकारी ऐसी ही थी जैसे वो घर के दरवाजे पर खड़ा हो। फूलों का गुलदस्ता सेंट्रल टेबल पर रख कर वो दरमियानी सोफे पर बैठ गया। ओह माजरत, मैं बिना इजाज़त के ही बैठ गया। गलती का एहसास होने पर वो फौरन उठ खड़ा हुआ। उसकी इस नादानी पर सब हंस दिए थे। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। बैठ जाओ, अब की बार इजाज़त लुबना बेगम की तरफ से मिली थी जो इस वक्त बिल्कुल भी उसकी माँ के रूप में नहीं थी। शुक्रिया, वो दोबारा बराजमान हो गया। उसकी नज़रें अमल के चेहरे से टकराई थीं जिसके तासुरात देखकर वो इस वक्त कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया था। आपको मेरे यहाँ आने की इतला तो मिल ही चुकी होगी और ये भी कि मैं किस मकसद के लिए यहाँ आया हूँ। उसने अपनी बात का आगाज़ अपने आने के मकसद से किया था। मेरा नाम जहादात है और मैं सिविल एविएशन अथॉरिटी में एक बेहतरीन अहदे पर फाइज हूँ। मुझे आर्ट और लिटरेचर में बहुत दिलचस्पी है। घर के तमाम कामों के लिए मैं ऑल इन वन हूँ। कुकिंग में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े धोना सब कर लेता हूँ। और उसके मुंह में जो आ रहा था वो बिना सोचे समझे बोले जा रहा था। उसकी बातों से बाकी सब की तरह हैरान होते हुए लुबना बेगम ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया था। एक मिनट बेटा, आप यहाँ रिश्ते लेने आए हो या फिर हाउसकीपिंग की जॉब के लिए इंटरव्यू देने। उनके यूँ कहने पर वो जीप सा गया था और आँखें बंद करके कुछ याद करने लगा था। शायद जहन में नोट्स बना रहा था कि कौन सी बात करनी थी और कौन सी नहीं। फिर से शुरू कर लेते हैं, वो खुद को एक और मौका देना चाहता था। मेरा नाम जहादाद है, मैं पिछले 15 साल से आपकी बेटी को पसंद करता हूँ या शायद शदीद मोहब्बत, और आज के दिन के लिए मैंने कई साल इंतज़ार किया है ताकि मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग सकूं। आपकी बेटी मेरी वो दुआ है जो बरसों बाद कबूल होती है और जिसे बड़ी तड़प के साथ मुसलसल मांगा जाता है। आंखों में मोहब्बत के दीप जलाए वो बस कहे जा रहा था वो सब कुछ जो वो कभी कहना चाहता था। मेरी अम्मी गुज़िश्ता 12 सालों में किसी और के साथ शादी करने पर प्रेशराइज़ करती रही थी।
और मैं हमेशा ये कहकर टाल देता कि अमल ने मुझे सिर्फ मलीहा से शादी करने की इजाज़त दी थी। मेरे लिए मलीहा अमल का इंतखाब थी। वो अब भी कहीं से आकर किसी को मेरे लिए मुंतखब कर दे तो मैं बिना ताखीर के उससे शादी कर लूँ। मैं इन सालों में इतना ही दीवाना रहा हूँ या फिर इससे भी ज़्यादा। अपनी बात के अख्ताम पर वह खुद हंस दिया था। ये सब तो ऊपर कहीं आसमानों में लिख दिया गया था कि हमारा मिलन ज़रूर होगा। लोग तो ता उम्र इंतज़ार की सूली पे लटके रहते हैं और मैंने तो फ़कत 14 साल इस इंतज़ार को दान किए थे। उसकी आंखों में उतरती नमी किसी से छुपी नहीं रही थी। लॉन में गहरी खामोशी छाई हुई थी। आवाज़ थी तो उन घंटियों की जो दरख्तों की शाखों से बंधी झूल रही थी, या फिर उस शख्स की जो मुराद पाने के लिए अपनी झोली एक बार फिर से अमल के आगे बिछाए बैठा था। बाकी सब सुन रहे थे और अमल को रश्क भरी नज़रों से देख रहे थे। किसी का महबूब होना सबसे बड़ी खुशकिस्मती होती है, इस बात की सच्चाई वो सब देख रहे थे। जवाबन मुझे हमेशा यही कहा जाता रहा कि वो मर चुकी है, इसलिए मैं उसे भूल जाऊँ। भला कोई सांस लेना भी भूल सकता है? दुनिया वालों के लिए वो मर चुकी थी, हत्ता कि मैं भी उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ आया था, लेकिन वो मेरे दिल में हमेशा ज़िंदा रही है और मैं अब उसके साथ ज़िंदा रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी का हाथ मुझे थमा दीजिए। मैं उसकी ज़िंदगी की सारी महरूमियाँ खुशियों से बदल दूँगा। ये मेरा वादा है आपसे भी और आपकी बेटी से भी। वो अपनी बात कह चुका था और अब उस जवाब के लिए मुंतज़िर था जिसका उसे शिद्दत से इंतज़ार था। सबकी आँखें पुरनम हो चुकी थी। अमल अपने आंसुओं पर काबू पाने की नाकाम कोशिश में बार बार अपनी आंखें रगड़ रही थी। लुबना बेगम ने आंख में दर आई नमी को साफ करते हुए उससे उसका जवाब पूछा था। कहो बेटा, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? अमल ने अब की बार आंखों को ज़ोर से रगड़ कर साफ करते हुए उनकी जानिब देखा था और फिर सर नफ़ी में हिला दिया। मैं अब शादी के काबिल नहीं रही। अगर मैं इन्हें अपना अच्छा कल नहीं दे सकी तो मैं अपना बुरा आज भी इन्हें नहीं दे सकती। जहाँ दाद से नज़र मिलाए बिना वो उठी और अपना फ़ैसला सुनाकर वहाँ से चली गई। आँख से एक आंसू निकला और जहाँ दाद के गाल पर बह गया। वो आज इस इनकार के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। काश मैं किसी रवायती नावल का हीरो होता तो मैं गन पॉइंट पर अगवा करके तुमसे निकाह करता और इस कहानी की हैप्पी एंडिंग कर देता। वो फिर से अपने कमरे में जा चुकी थी और जहाँ दाद भी उधर ही आ गया था। वो आज उससे इकरार करवा कर ही वहाँ से जाने वाला था, मगर सच कहूँ तो गन से मुझे खुद बहुत डर लगता है। वो अपनी डरने की सी अदाकारी पर हंस दिया था, लेकिन क्या लड़की वाकई एक ऐसे इंसान के साथ खुश रह सकती है जिसने उसे अगवा करके उससे शादी की हो? वो सोचने लगा और सोच कर अंदाजे लगाने लगा। अमल सर झुकाए सिर्फ रोने में मसरूफ़ थी, इसलिए वो हर सवाल जवाब खुद से ही कर रहा था। लड़की को तो वैसे ही उस नफ्सियाती जुनूनी का कत्ल कर देना चाहिए जो ये घटिया हरकत करता है। पता नहीं मैंने कौन सा नावल पढ़ लिया है जो उल्टा सीधा सोच रहा हूँ। खैर, कोई और तरीका ढूंढ लेता हूँ तुमसे हाँ करवाने का। वो उसके सर पर खड़ा सोचने लगा। नहीं आ रहा जहन में। काफ़ी देर सोचने के बाद भी वो नाकाम रहा। सुनो, क्या तुम वाकई मुझे कत्ल कर दोगी अगर मैं तुम्हें अगवा करके ले जाऊँ? वो झिझकते हुए पूछ रहा था। अब की बार अमल ने उसकी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखा था कि ऐसा सोचना भी मत, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। उसकी नज़रों की तंबीह समझकर वो अपनी बात से पलट गया था। फिर तुम ही बता दो कि तुमसे इस शादी के लिए हाँ कैसे करवाई जाए? अगवा करके? किसी हवाले से तुम्हें ब्लैकमेल करके? रात को ख्वाबों में डरा कर? कोई जिन भूत बनकर? आखिर किस तरह मानोगी तुम? उसके पास सब ऑप्शन ख़त्म हो गए थे। आप फकत एक शराब के पीछे भाग रहे हैं, अब तो आदत हो गई है। वो हंसा था। आप आखिर मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? वो दबे से अंदाज में तकरीबन चिल्लाई थी। निकाह के बाद समझा देना। वो फिलवक्त कुछ समझने के मूड में नहीं था। तब क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो अब भी नहीं। मैं आपके काबिल नहीं। मेरी मोहब्बत काबिलियत के वो पैमाने नहीं रखती जो। मतलब आप ना टलने का फैसला कर चुके हैं? फैसला तो कई साल पहले ही हो चुका था। उसने एक नज़र जहाँ दांत की तरफ देखा था और खामोशी से लब भींच लिए थे। वो उसके बिल्कुल सामने आ गया था और अब घुटनों के बल नीचे कारपेट पर बैठ गया, यूं के जैसे कोई फ़कीर अपनी मनचाही मुराद मांग रहा हो, मगर बेबसी के साथ, नहायत आजिज़ी के साथ। चलो,
अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं, वो कह रहा था और उसकी आंखों में उम्मीद के दिए जलने लगे थे। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रखकर अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। नज़रें अमल के चेहरे को अपने आसार में लिए हुए थी और किसी तासुर की खोज में उसके चेहरे पर इधर उधर भटक रही थी। मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं, इकट्ठे बैठकर सारे बांट लेते हैं। अमल इकरार और इनकार के बीच में अटकी उसे पलकें झपके बिना देख रही थी, जैसे वो एक ख्वाब है कि अभी पलकें झपकेगी और ख्वाब टूट जाएगा। अगर ये वाकई एक ख्वाब था तो अब उसे ता उम्र यूं ही साकित बैठे रहना मंजूर था, और अगर वो एक हकीकत था तो तब भी वो उम्र भर यूं ही देखने के लिए तैयार थी। खामोशी के कुछ सानिए यूं ही गुजर गए थे, आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कहते हुए, दिल ही दिल से बहुत कुछ सुनते हुए। जहादात ने अपना हाथ उसके हाथ पर नरमी से रख दिया था। अमल की तरफ से कोई एहतजाज नहीं हुआ था, हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई थी। वो अभी भी यूं ही बैठी थी। फैसला हो गया था और जवाब मिल गया था। 14 साल पहले डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बिछड़ने वाले दो किरदार उस कहानी में मिल गए थे। अमल जहादात की थी और जहादात अमल का। अगर यही तय था तो फिर पहले इनकार के बाद गुजरे 14 सालों का कोई मलाल नहीं कि शाम अलम यूं ही आती है और सहरे मोहब्बत से शिकस्त खा जाती है। खिड़की से आती नन्ही घंटियों की आवाज़ें उनकी समातों में सरगोशियाँ गड़ रही थीं। मोहब्बत मुबारक, मोहब्बत में ये मिलन मुबारक। ख़त्म शुद। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नावल शाम अलम। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट विच आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।